गुड आफ्टरनून ऑल। यस फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग, क्या हाल चाल? चलिएगा, ग्रुप बाद में बनाने का डिस्कशन कीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स ऑल ओके? साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी ऑल ओके? शुड वी स्टार्ट? गुड आफ्टरनून ऑल। हम लोगों ने सारे टाइम ट्राई कर लिए फ्रेंड्स, 8 बजे भी लेक्चर लिया, 10 बजे भी लिया, 12 बजे भी लिया, शाम को 4 बजे भी लेक्चर लिया। जी हाँ, कैसे हो आप सब लोग? सारे टाइम ट्राई कर लिए बॉस, मॉर्निंग 8 o'clock काफी सारे लेक्चर लिए, 10 बजे लॉ का लेक्चर नहीं स्टार्ट हो रहा था तब 10 बजे लेक्चर लिया, आज 12 बजे लेक्चर ले रहा हूँ, शाम को 4 बजे भी लेक्चर लिया आई गेस। चलिए ऑल ओके, ऑल ओके जी हाँ। सो फ्रेंड्स, इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विथ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मटेरियल कॉस्ट। जी हाँ, दैट इज मटेरियल कॉस्ट हमने स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक डिस्कशन, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। जी हाँ जी हाँ, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, अरे जय सर को आज थोड़ा सा बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप मॉर्निंग का लेक्चर मुझे लेने दो, इवनिंग का आफ्टरनून का लेक्चर आप ले लीजिएगा। मैंने बोला ओके, एनी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट लोग एनी टाइम रेडी रहते हैं कॉस्टिंग के लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चलेगा। जी हाँ, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। रात को 12 बजे एग्जाम के वक्त देखेंगे, रिवीजन वगैरह प्लान करेंगे रात को 12 बजे। ओके चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। नाउ फ्रेंड्स, इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद द मटेरियल कॉस्ट। ठीक है ना फ्रेंड्स, मटेरियल का जो डिस्कशन स्टार्ट किया था उसमें वी हैव बाइफर्केटेड मटेरियल इनटू टू पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट में जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल आपका ओवरहेड्स में जाएगा। वो सिंपल डिस्कशन है जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक से करते आ रहे हैं, ठीक है, उसको अभी भूल जाइएगा। उसके बाद हमने देखा बॉस की मटेरियल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, कैसे मटेरियल प्रोक्योर किया जाता है, मटेरियल कैसे मूव होता है, वो बहुत अच्छे से हमने वो एक चार्ट देख के एक्सप्लेनेशन सीखा था, जो हमें आगे बजट टॉपिक में भी यूज होने वाला है। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपको याद आ रहा है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि कस्टमर को अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो वो जाएगा सेल्स डिपार्टमेंट के पास। मैं सिक्वेंस वापिस एक बार बता रहा हूं, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, चलेगा सर, मैसेज करना बंद कीजिएगा अभी, प्लीज एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। आज का लेक्चर में और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो जल्दी से, टाइम कम है क्योंकि 2 बजे आज जीएसटी का भी लेक्चर है, तो हमें थोड़ा कम टाइम है आज, फटाक से हम लोग रिवाइज करते हैं और अगला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कमेंट करना बंद कीजिए फिलहाल, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आप कमेंट कीजिएगा, अब यहाँ पे फोकस करिएगा। सबसे पहला जो सिक्वेंस था वहां पे सेल्स होने वाला है, कस्टमर आएगा आपका सेल्स डिपार्टमेंट के पास, वो सेल ऑर्डर पंच होएगा। ओके, वो जो सेल्स डिपार्टमेंट है आगे वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएगा कि 100, 200, 5000 व्हाटएवर कितने ऑर्डर आया हुआ है, कितने यूनिट्स का ऑर्डर आया, वो इंफॉर्मेशन सेल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पास ऑन किया। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सबसे पहले तो इंक्वायरी किया, कहां पे इंक्वायरी किया, जहां पे फिनिश गुड्स स्टोर्स में था वहां पे इंक्वायरी किया, क्योंकि ऑलरेडी कुछ गुड्स बन के रेडी था, उतना कम बनाएंगे, तो वहां से उसने ये डिसाइड किया कि प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितनी करनी है। कल ही मैंने आपसे फॉर्मूला पूछा था और आप लोगों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया था, प्रोडक्शन का क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करना है, तो वहां पे आपने मुझे बताया था सर जी हमें सेल्स करना था कुछ 100 बेंचेस का, प्लस हमारा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था 10 बेंचेस का, माइनस ओपनिंग स्टॉक था 20 बेंचेस का, तो हमें प्रोडक्शन करना था 90 बेंचेस का, हमें प्रोडक्शन करना था, अगर आपको कल का लेक्चर याद आ रहा है तो 90 यूनिट्स का हमें प्रोडक्शन करना था। इसके बाद एक खुंखार डॉक्यूमेंट हमने देखा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट हमने देखा था, अब जल्दी से बताइएगा उसका नाम क्या था, एक यूनिट फाइनल प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने के लिए कौन से टाइप का मटेरियल कितने क्वांटिटी में लगता है, ये जिस डॉक्यूमेंट में दिया गया है वो डॉक्यूमेंट आप मुझे बताइएगा कौन सा था, जल्दी से आंसर दीजिएगा। एक यूनिट फाइनल प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट फाइनल प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा मटेरियल लगता है, कितने क्वांटिटी में लगता है, अगेन कौन से क्वालिटी का लगता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, उसका कोड नंबर क्या है, ये एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बना था, वो डॉक्यूमेंट का नाम था बॉम, बिल ऑफ मटेरियल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये था आपका बिल ऑफ मटेरियल। फिर प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, बिल ऑफ मटेरियल देगा
और बिल ऑफ मटेरियल के बेसिस पे वो बनाएगा एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिससे स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है, स्टोर्स डिपार्टमेंट से वो मटेरियल ले सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बिल ऑफ मटेरियल की क्वांटिटी, उससे एक डॉक्यूमेंट उसने बनाया था और वो स्टोर्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया और स्टोर्स डिपार्टमेंट को बोला मुझे इतना इतना मटेरियल चाहिए। अब आप जल्दी से आंसर दीजिएगा, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा और स्टोर्स डिपार्टमेंट को भेजेगा, क्योंकि उसको मटेरियल चाहिए था प्रोडक्शन करने के लिए। वो डॉक्यूमेंट का नाम आप याद कीजिएगा, वो डॉक्यूमेंट कौन सा था, जल्दी से। जी हाँ, मुझे फुल फॉर्म चाहिए, क्योंकि मटेरियल एमआरएन का दो भी हो सकता है, फुल फॉर्म रिटर्न नोट भी हो सकता है गुड्स। तो आप मुझे बराबर से आंसर दीजिएगा, पूरा आंसर दीजिएगा, क्या था उसका आंसर। जी हाँ, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। सुपर्ब, बराबर आप आंसर दे रहे हो, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, इतना इतना मटेरियल मुझे रिक्वायर्ड है, तो वो स्टोर्स डिपार्टमेंट को भेज दिया उसकी रिक्वायरमेंट। फिर आगे स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, अगर आपको याद आ रहा है, स्टोर्स डिपार्टमेंट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक चेक करेगा। जी आप सब लोगों का आंसर बराबर है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब स्टोर्स डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पता चल गई है, अब स्टोर्स डिपार्टमेंट आगे क्या करेगा, उसका इन्वेंट्री चेक करेगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो रिक्वायरमेंट है वो स्टॉक में रहे, ठीक है, कुछ उसको मंगवाना पड़ेगा। तो वो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करके स्टोर्स डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को, परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा, इतना शॉर्टफॉल है, इतना मटेरियल आप परचेज कीजिएगा। वो डॉक्यूमेंट का नाम अगर आपको याद आ रहा था, वो परचेज रिक्विजिशन नोट था मालिक, वो क्या था, परचेस रिक्विजिशन नोट, इतना इतना मटेरियल का क्वांटिटी रिक्वायर्ड है स्टोर रूम वाले को, उसने वो सबमिट कर दिया परचेस डिपार्टमेंट को, ठीक है। फिर जो परचेस डिपार्टमेंट है उसका आगे का काम क्या है, परचेस डिपार्टमेंट सबसे पहले तो टेंडर कोटेशन वगैरह मंगवाएगा, टेंडर कोटेशन मंगवाने के बाद वो चेक करेगा कि कौन सा क्वालिटी है, क्या प्राइस पे है, और वहां से सिलेक्शन होएगा वेंडर का, सप्लायर का सिलेक्शन होएगा, जो टाइम पे सप्लाई कर सकता है, जो क्वालिटी गुड्स दे सकता है, और आपके विद इन द कॉस्ट जो आ रहा है वो सप्लायर का सिलेक्शन किया जाएगा। एक बार सप्लायर का सिलेक्शन कर दिया, फिर उसको आप परचेस ऑर्डर प्लेस करेंगे, अगेन फिर वो परचेस ऑर्डर प्लेस करने के बाद सामने वाला मैन्युफैक्चर करेगा और आपको गुड्स देगा। इमीडिएटली गुड्स आप स्टोर रूम में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं भेजेंगे, जैसे ही वो रॉ मटेरियल आपके फैक्ट्री गेट पे आता है वहां पे इंस्पेक्शन होगा, तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के बंदे आएंगे वहां पे और वो गुड्स इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करेंगे गुड्स एज पर द क्वालिटी है, गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट है, जो आपने मंगवाए थे क्या उतना क्वांटिटी, उतना ही क्वालिटी, वही स्पेसिफिकेशन के कलर के एक्सेट्रा गुड्स आए या नहीं आए वो एक बार चेक करेगा। अगर हाँ एक्सेप्ट करेगा गुड्स, रिसीव्ड नोट बनाएगा, अगर उसने गुड्स एक्सेप्ट किए तो रिसीव्ड नोट बनाएगा और वो गुड्स चले जाएगा सीधा आपके स्टोर रूम में। और आपको पता है एक बार गुड्स स्टोर रूम में चला गया तो दो जगह पे एंट्री होने वाला है। अगर आपको वो दो कार्ड याद आ रहे फ्रेंड्स, एक था बिन कार्ड और दूसरा था स्टोर्स लेजर कार्ड, ओके। तो बिन कार्ड में एंट्री कौन पास करेगा, वो जो स्टोर कीपर है, वो स्टोर कीपर बिन कार्ड में एंट्री पास करेगा और स्टोर्स लेजर कार्ड में अकाउंटेंट एंट्री पास करेगा कि इतना इतना मटेरियल आया, इतना एक्सेप्ट किया, इतना रिटर्न किया, एवरीथिंग एंट्री पास होएगा। इसके बाद क्या होएगा, ये इंफॉर्मेशन जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास कि सामने वाले का इतना बिल आया हुआ है, सामने वाले का ये हम लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, आप इसका पेमेंट कर दीजिएगा। फिर वो क्रेडिट पीरियड चेक करेगा, सपोज 30 डेज का क्रेडिट पीरियड, तो एग्जैक्टली लास्ट डेट पे वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो उसका पैसा दे देगा और ट्रांजैक्शन खत्म। अगेन तोड़ मालिक, अगर आपको याद आ रहा है ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से कल डिस्कशन किया था, आपको ये पूरा चार्ट याद करना है। हम लोगों ने ऑडिट भी किया था, इफ यू रिमेंबर, स्टॉक ऑडिट के लिए हम लोग गए थे एक कंपनी में, स्टॉक ऑडिट कैसे करना है वो हमने देखा। सबसे पहले आप जाएंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास या फिर ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में जाने के बाद आप वहां पे स्टोर्स लेजर कार्ड लेंगे। फिर अगर आपको याद आ रहा है मैंने एक बताया था ए बी सी का कंसेप्ट, ए कैटेगरी के गुड्स, बी कैटेगरी के गुड्स, सी कैटेगरी के गुड्स। ए कैटेगरी गुड्स यानी सबसे हेवी वैल्यू, सबसे हाई वैल्यू ए कैटेगरी, वो 100% चेक करेंगे। बी कैटेगरी यानी थोड़े से मीडियम वैल्यू के गुड्स, वो आप टेस्ट चेक करेंगे, और निग्लिजिबल चेक रहेगा आपके सी कैटेगरी। फिर आपने ऑडिट प्लान बनाया,
ठीक है, ऑडिट प्लान बनाए, इसका मतलब क्या है, मुझे अभी कहाँ पे कितना चेकिंग करना है। फिर वो स्टोर स्लेजर कार्ड लेके आप वो बंदे के साथ चले गए स्टोर रूम में और बता दिया भाई ये कौन से बिन में है ये स्टॉक बताइएगा। फिर आपने स्टोर स्लेजर कार्ड को बिन कार्ड के साथ कंपैरिजन किया, बस इतना कंपैरिजन नहीं था, आपने फिजिकली गुड्स काउंट भी किए और अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी था वो डिस्क्रिपेंसी आपने आपके ऑडिट रिपोर्ट में सबमिट कर दिया और आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका जो बॉस है वो बॉस खुश हो गया, राइट। तो ये प्रोसीजर आप लोगों ने फॉलो किया था, यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था बॉस। ओके, अब हम लोग बहुत ही मेन कंसेप्ट पे आ रहे हैं जिसका ऑलमोस्ट 40-50% टॉपिक यही कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है। ओके, सब लोग अब पूरा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मटेरियल कॉस्ट जो है वो मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आप कंसिडर करने वाले हो ये हमें अभी सीखना है। थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल की तरफ जा रहा हूं, सब लोग पूरा कॉन्सेंट्रेशन। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, वो क्वेश्चन के प्लीज आप आंसर देंगे फ्रेंड्स। मटेरियल का कॉस्ट बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया है। मटेरियल का जो कॉस्ट था, अगर आपको याद आ रहा है फ्रेंड्स, कॉस्ट शीट में सबसे पहला आइटम था मटेरियल कंज्यूम्ड। तो अब ये मटेरियल में कौन सा कॉस्ट आपको कंसिडर करना है, दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट दिस, कि मटेरियल के कॉस्ट में क्या क्या लेना है। तो बेसिकली मटेरियल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। कुछ स्टूडेंट कल मुझे क्वेरी पूछ रहे थे, सर कैरिंग कॉस्ट क्या है, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या, एक्सेट्रा। मैंने बोला भाई रुको रुको जरा, एक और लेक्चर है जिसमें ये डिटेल में डिस्कशन है और वो ये लेक्चर है जहां पे हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मटेरियल में सबसे पहला कॉस्ट में ले रहा हूं फ्रेंड्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। सेकेंड ले रहा हूं कैरिंग कॉस्ट, और तीसरा ले रहा हूं मालिक परचेस प्राइस। परचेस प्राइस यानी इनवॉइस, आप जो मटेरियल परचेस करेंगे सामने वाला बिल आपको देगा एक्सेट्रा, वो परचेस प्राइस है। फिलहाल परचेस प्राइस साइड में रखते हैं, अभी हमें वो डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि परचेस प्राइस में काफी सारे आइटम है, जैसे कि अगर एक्साइज ड्यूटी है, सपोज एक्साइज ड्यूटी तो चला गया, जीएसटी है, आईजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी है, उसमें कुछ टैक्सेस है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब कुछ हम लोग परचेस प्राइस बाद में डिस्कशन करेंगे, उसका लेक्चर सेपरेट रहेगा। फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पे और कैरिंग कॉस्ट पे। ओके, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तब आपको कुछ एक्सपेंसेस लगेगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप प्लीज आंसर दीजिएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जल्दी से प्लीज आंसर दीजिएगा। ऑर्डर प्लेस करना है तो खर्चा क्या लगेगा, सपोज आपका इंडस्ट्री है, आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो वो ऑर्डर प्लेस करने के भी कुछ खर्चे हैं, तो क्या आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो क्या कि ऑर्डर प्लेस करने के ये खर्चा आएगा। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है प्लीज आप वो मैसेज में मुझे बता दीजिएगा कि अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना है तो क्या क्या खर्चा लग सकता है, देन मैं वो एक एक पॉइंट डेवलप करूंगा आपका। ओके, जल्दी से आप मुझे बताइएगा, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, मेरा कोई पर्सन है वो ऑर्डर प्लेस करेगा, सप्लायर ढूंढेगा एक्सेट्रा, ऑर्डर प्लेस करेगा, तो मुझे कौन से एक्सपेंसेस लगेंगे। अच्छा जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, ठीक है, वेरी गुड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, और क्या क्या लगेगा, बराबर है, करते रहो बोलते रहो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, वेरी गुड, एक आंसर आ रहा है, कम्युनिकेशन के एक्सपेंसेस है। इसके बाद आ रहा है बिंदु जी का आंसर आ रहा है कि टेलीफोन के एक्सपेंसेस है, कॉल करना पड़ेगा इंटरनेट के थ्रू, मुझे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट है, कैरेज इनवर्ड है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस है, इंटरनेट के थ्रू आपने ऑर्डर प्लेस किया, एकदम बराबर है, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, और क्या लगता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या खर्चा लग सकता है। इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट लेक्चर, मुझे अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो और क्या खर्चा लगेगा, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, यानी कुछ अकाउंटिंग वगैरह करना पड़ेगा, मटेरियल परचेस नोट बनाना पड़ेगा एक्सेट्रा, कि इतना इतना मटेरियल परचेस करना है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा लगेगा। क्या बात है, जबरदस्त आंसर दिया हर्षा जी इन्होंने। ओके, नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी एट ऑल, स्टेशनरी लगेगा, वेरी गुड, जी हाँ, वो प्रिंट वगैरह करना पड़ेगा ना आपको, तो स्टेशनरी का खर्चा लगेगा, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट है। अच्छा, एडवांस देना पड़ेगा, वो परचेस प्राइस में आएगा ना बॉस, कुछ एडवांस देना पड़ेगा, वो परचेस प्राइस में आएगा, और अच्छा, वेरी गुड, एक आंसर आ रहा है टीटी इंडस्ट्रीज का, इन्होंने एकदम बराबर आंसर दिया, टीटी इंडस्ट्री बोले भाई हमें कोटेशन मंगवाना पड़ेगा,
काफी सारे जो सप्लायर है उनको बताना पड़ेगा भाई आप हमें कोटेशन दीजिएगा। तो ये कोटेशन जनरली कहां पे आप बेचते हो? न्यूज़पेपर में कोटेशन प्रिंट होता है। अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में काफी सारे जगह पे ऐसे कोटेशन करके वर्ड रहता है न्यूज़पेपर, अगर अगली बार पढ़ेंगे तो थोड़े ध्यान से पढ़ना, ऐसे कोटेशन अगर वर्ड रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है उसमें। तो कोटेशन में क्या रहता है, अगर आपको कुछ गुड्स मंगवाने हैं, जनरली गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज रहती है वो डायरेक्टली मटेरियल किसे परचेस नहीं करते, उनको कोटेशन लेना पड़ता है। तो वे एक एडवर्टाइजमेंट देते न्यूज़पेपर में, बोलते हैं एक्स वाई जेड कंपनी है, हमें ऐसे ऐसे मटेरियल चाहिए, तो ये डेट के अंदर जो भी कुछ इंटरेस्टेड पर्सन है वो हमें कोटेशन दीजिएगा, हम लोग सिलेक्शन करेंगे। अगेन तो ये बराबर आपने आंसर दिया टीटी इंडस्ट्री की, कोटेशन मंगवाने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग वगैरह करना पड़ा हमें। वेरी गुड, और वेरी गुड प्रफुल जी, इन्होंने भी एक और आंसर दिया। प्रफुल जी बोल रहे कि हमें ये जो परचेस रिलेटेड स्टाफ है इनका वेजेस और सैलरी भी कंसीडर करना पड़ेगा। चैंप लोगों, तुम आप लोगों ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे की सारे जो एग्जांपल मैं देने वाला था वो सारे की सारे एग्जांपल आपने ही मुझे दे दिए। जी हाँ, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, कोटेशन जब आप इन्वाइट कर रहे हो, कोटेशन जो इनविटेशन है उसका आपको कॉस्ट लगेगा। सेकंड आपने बताया डॉक्यूमेंटेशन, जो परचेस ऑर्डर एक्सेट्रा उसका डॉक्यूमेंटेशन का कॉस्ट हमें लगेगा। कुछ स्टूडेंट ने बता दिया ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा। एक कॉस्ट आपका नहीं आया वो था इंस्पेक्शन का कॉस्ट। एक कॉस्ट आपका नहीं आया जो इंस्पेक्शन, जैसे कि जब आप मटेरियल आपके फैक्ट्री में आता है तब आप वो इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्शन का कॉस्ट। देन एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट, आपने कोटेशन मंगवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया। फिर आपने मुझे आंसर दिया टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, देन आपने आंसर दे दिया टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस। कुछ स्टूडेंट ने आंसर दे दिया कि सर जी एम्प्लॉई रिलेटेड कॉस्ट, जो पर्सन ऑर्डर प्लेस करता है या फिर वो मैनेजर है, वर्कर है, उनका सैलरी एक्सेट्रा वो कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद पोस्टेज, कुरियर के थ्रू अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया तो पोस्टेज और कुरियर, जनरली ऑर्डरिंग कॉस्ट में ये सारे एक्सपेंसेस कंसीडर करेंगे। जी एनी डाउट अबाउट दिस ऑर्डरिंग कॉस्ट? लेकिन आपको यह समझ रहे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? अगर मुझे मटेरियल परचेस करना है सप्लायर को तो ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तो ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या क्या खर्चा आ सकता है? भले ही ये खर्चा बहुत निग्लिजिबल रहता है। अब आप बोलेंगे सर फोन कॉल का क्या खर्चा रहता है, एक रुपए दो रुपए, इंटरनेट का तो वैसे भी हमारा खर्चा बहुत ही निग्लिजिबल रहता है, लेकिन हाँ जो भी कुछ है वो एक्सपेंसेस हमें कंसिडर करना पड़ेगा। जी हाँ, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, कोटेशन आपने मंगवाया, डॉक्यूमेंटेशन का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, इंस्पेक्शन का कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट, टेलीकम्युनिकेशन, पोस्टेज, कुरियर एंड एम्प्लॉई वो जो रिलेटेड है, तो ये सारे एक्सपेंसेस आएंगे आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट में। आई होप थोड़ा थोड़ा ये ऑर्डरिंग कॉस्ट क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ो कैरिंग कॉस्ट में। जी हाँ फ्रेंड्स, कैरिंग कॉस्ट, अगर आपको इन्वेंट्री कैरी करना है, अगर आपको इन्वेंट्री कैरी करना है इसका मतलब आपको अगर रॉ मटेरियल स्टोर्स में रखना है तो उस रिलेटेड जो भी कुछ कॉस्ट आएगा कैरी करने का, स्टोरेज करने का, इन्वेंटरी हेल्ड करने का, जो भी कुछ कॉस्ट आएगा दैट ऑल कॉस्ट विल बी कवर्ड इनटू द कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब आप यह सोच के बताइएगा इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में कौन से एक्सपेंसेस लग सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, इसका तो बहुत ही बड़ा लिस्ट है, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। इन्वेंटरी कैरी करना है, स्टोर रूम रिलेटेड खर्चे, तो आप मुझे बताइएगा क्या क्या खर्चा लग सकता है इन्वेंटरी कैरी करने के लिए। जैसे कि आपने रिक्वायरमेंट से ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस किया सो दैट आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिले बल्क परचेसेस का, तो आपकी रिक्वायरमेंट कम थी, आप ज्यादा गुड्स मंगवा लिए, तो वो आपको स्टोर रूम में रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कैरिंग कॉस्ट लगेगा। तो कैरिंग कॉस्ट में कौन से आइटम्स आएंगे, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं। जैसे आपने मुझे ऑर्डरिंग के ऑलमोस्ट एक पॉइंट छोड़ के, इंस्पेक्शन छोड़ के, ये सारे की सारे पॉइंट्स आपने मुझे बता दिए, अब आपको थोड़ा सोचना है अबाउट दिस कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या कंसीडर किया जाएगा, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा कैरिंग कॉस्ट में। ओके,
स्टोर रूम का लाइटिंग, लेबर रहेगा, वेयरहाउस की रेंट. वी शुड यूज वर्ड स्टोर रूम. वेयरहाउस में जनरली फाइनल प्रोडक्ट रहता है, स्टोर रूम में रॉ मटेरियल रहता है. ओके तो रॉ आपका जो स्टोर रूम है उसका रेंट, लाइटिंग, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी. वेरी गुड. स्टोर्स डिपार्टमेंट के जो वर्कर है वो वर्कर लोगों को हमने वेजेस पे किया. वेरी गुड. और जल्दी से बताइएगा, और जल्दी बताइएगा. सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर फैक्ट्री में रहता है बॉस, स्टोर रूम में नहीं रहता है. लाइटिंग के खर्चे हो गए हैं, व्हीकल के एक्सपेंसेस. अभी स्टोर रूम में कौन सा व्हीकल, अरे व्हीकल के तो हमने ले लिए ना बॉस, ट्रांसपोर्टेशन में, व्हीकल रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रांसपोर्टेशन में है ना. आपने गुड्स मंगवाए और स्टोर रूम में, यहां पे क्या चल रहा है, स्टोर रूम में रखने का खर्चा हमें जानना है. और सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, स्टोर रूम का रेंट है, स्टोर कीपर की सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी है. ओके स्टेशनरी बराबर है, बिन कार्ड वगैरह प्रिंट करने का कॉस्ट भी लगेगा, बिन कार्ड लगेगा. इंश्योरेंस कौन है ये, निधि जी, इंश्योरेंस. वेरी गुड. आपने स्टोरेज में आपका रॉ मटेरियल था उसका इंश्योरेंस करवाया, सो दैट लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर अगर कुछ होता है तो आपको कॉम्पेंसेशन मिले, तो इंश्योरेंस कॉस्ट एकदम बराबर है. ओके स्टेशनरी लगेगा बिन कार्ड प्रिपेयर करने के लिए, परफेक्ट है. फटाफट और बताते जाइए, चैंप लोग जल्दी से आंसर देते रहिएगा, एकदम बराबर है. और आप सोचिएगा, स्टोर कीपर के एक्सपेंसेस है, वेरी गुड बराबर है. और क्या है, स्टोर कीपर के एक्सपेंसेस है, उसका सैलरी है, उसके वेजेस है, वहां पे जो वर्कर काम करे उनका वेजेस है, आ गया. ओके और क्या लगेगा, वेरी गुड. अगर स्टोर की जो बिल्डिंग है, ओके वो बिल्डिंग खुद का रहेगा तो उसका डिप्रिसिएशन भी आप कंसीडर करेंगे, एकदम बराबर है. स्टोर रूम का डिप्रिसिएशन, वहां पे जो फर्नीचर है उसका डिप्रिसिएशन भी आएगा. नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वेरी गुड. और क्या लगेगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा. सिक्योरिटी एक्सपेंसेस हो गया है, इज देयर एनी अदर एक्सपेंसेस पेंडिंग. इंस्पेक्शन कॉस्ट तो आपने ऑलरेडी, जब मटेरियल आया था तभी इंस्पेक्शन किया, अभी स्टोर रूम में वापस से इंस्पेक्शन करने का जरूरत नहीं है. सीसीटीवी कैमरा, ओके सीसीटीवी कैमरा का डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा कवर किया जाएगा, वेरी गुड. और रिपेयरिंग आ गया, और बताइएगा ना फ्रेंड्स. क्लीनिंग एक्सपेंसेस आएगा, रिपेयर्स आएगा, मेंटेनेंस आएगा, क्लीनिंग एक्सपेंसेस आएगा, वेरी गुड. और आप सारे एक्सपेंसेस बराबर बोल रहे हो, सिर्फ आपका एक या दो एक्सपेंसेस बाकी अभी भी. शिवम जी, सेकेंडरी पैकिंग जो रहती है ना, वो सेकेंडरी पैकिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त करते हैं बॉस. अभी रॉ मटेरियल को पैक करके फायदा नहीं ना, वो हमें प्रोडक्शन में यूज करना है. अच्छा, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पेरिशेबल, पेरिशेबल गुड्स अगर रहेगा तो फ्रिज वगैरह, आपने कोल्ड स्टोरेज अरेंज किया रहेगा तो कोल्ड स्टोरेज का जो डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा, वहां पे एक्सपेंसेस आपको कंसीडर करना पड़ेगा, वेरी गुड. और आपको नहीं लगता कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा? जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा? इंटरेस्ट कॉस्ट का मतलब ये हुआ, आपका जो इन्वेंट्री है ठीक है, उसका तो पेमेंट आपने कर दिया था लेकिन आप वो प्रोडक्शन में यूज नहीं कर रहे हो तो पैसा ब्लॉक हो गया ना. जैसे कि सपोज आपने परचेसेस किया है जनवरी मंथ में, आपने वो यूज किया सपोज मार्च मंथ में, सेल किया मार्च मंथ में, और उससे जो पैसा मिलता है सेल प्रोसीड वो मार्च मंथ में आया सपोज, तो आपने जो इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट किया था, जो आपने पैसा वहां पे ब्लॉक किया था जनवरी मंथ में परचेसेस करके, वो आपके पैसे रिलीज कब हो रहे, वो पैसे आपकी रिलीज हो रहे सपोज मार्च मंथ में, तो ये दो या तीन महीने में आपके पूरे पैसे ब्लॉक हो गए, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा. ठीक है, वेरी गुड. इसके बाद फ्रेंड्स, स्क्रैप की जगह पे मैं वर्ड यूज करूंगा ऑब्सोलेंसेस और डेटोरिएशन. जी हाँ, मैं वर्ड यूज करूंगा ऑब्सोलेंसेस एंड डेटोरिएशन. वापिस एक बार, ऑब्सोलेंसेस यानी पड़े पड़े खराब होना, किसी प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट निकल गया तो ऑब्सोल्यूट हो गया, डेटोरिएट हो गया पड़े पड़े, वो पूरा कि पूरा खराब हो गया. ठीक है, तो वो भी एक्सपेंसेस हम लोग कंसिडर करेंगे, परफेक्ट है. जी हाँ, वैल्यू ऑफ मनी इन्वेस्टेड, तो फ्रेंड्स बाद में लिखना, ये आज लिखने के लिए मैं बोलने वाला हूं, बाद में लिखिएगा, पहले एक एक आइटम हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, और कुछ आइटम अगर रह जाता है तो वो आप मुझे बताएंगे. चलिएगा, स्टोर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस. अब स्टोर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस में काफी सारे एक्सपेंसेस हमने कंसिडर किए थे. ओके, स्टोर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस में काफी सारे एक्सपेंसेस है, जैसे कि फ्रेंड्स आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, मेंटेनेंस,
स्टोर कीपर का सैलरी, वहां पे जो वर्कर है उनके वेजेस, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसका, डेप्रिसिएशन हो सकता है आपका बिल्डिंग का, उधर कुछ फर्नीचर रहेगा उसका डिप्रिसिएशन हो सकता है, या फिर वहां पे कुछ इक्विपमेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपने एसी वगैरह लगवाया सो दैट टेम्परेचर आपका मेंटेन रहे, तो कुछ इक्विपमेंट है उसका डिप्रिसिएशन। इसके बाद स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लगेगा, जैसे बिन कार्ड वगैरह प्रिंट करने के लिए। इसके बाद सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, इसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, जी हाँ इंश्योरेंस एक्सपेंसेस लगेगा, हुआ नहीं है इंश्योरेंस, जी इंश्योरेंस बाकी था, ठीक है। और डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सैलरी, ओके। सो काफी सारे आइटम हम लोगों ने कंसिडर कर लिए। इसके बाद आएगा आपका अगर कुछ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर ऑब्लिक आईटी रिलेटेड कॉस्ट। अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा रहता है, सपोज इन्वेंटरी मेंटेन करने का कोई सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है, बार कोड रीडर एक्सेट्रा, तो वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कॉस्ट भी आपका स्टोरेज कॉस्ट में आएगा, उसका डेप्रिसिएशन, उसके यानी आपको कुछ पैसा पे करना पड़ता है सॉफ्टवेयर का, दैट ऑल्सो कवर्ड इन टू द स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद डेटोरिएशन, एंड ऑप्शनसेस, डेटोरिएशन एंड ऑप्शनसेस, पड़े पड़े वो खराब हो गया, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट में कंसीडर कर रहा हूं इंटरेस्ट कॉस्ट, जो आपके फंड ब्लॉक हो गए हैं उस पे इंटरेस्ट कॉस्ट आपको लगेगा, ये सारे आपको कैरिंग कॉस्ट में लगेंगे, जी हां मालिक। और जो परचेस प्राइस है वो जैसे मैंने आपको बोला अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि परचेस प्राइस में लिस्ट ऑफ आइटम्स है, जैसे कि जीएसटी का क्या करना, कस्टम ड्यूटी का क्या करना, ट्रेड डिस्काउंट का क्या करना, कैश डिस्काउंट का क्या करना, क्वांटिटी डिस्काउंट का क्या करना, ओके। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड खर्चे का क्या करना, ओके। तो ये जो सारे परचेस रिलेटेड पार्ट है वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, वो बाद में, फिलहाल हमें कॉन्सेंट्रेट करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट में और कैरिंग कॉस्ट में, जी हाँ। तो सबसे पहले तो ये चार्ट आप बना लीजिएगा, अच्छे से ये चार्ट लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा, सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अब इसके आगे हमें ये देखना है हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाउ टू कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट, उसके बाद मेन कंसेप्ट स्टार्ट होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो फ्रेंड जल्दी जल्दी से ये जो चार्ट है वो आपको लिखना है, हेडिंग है इसका मटेरियल कॉस्ट, जल्दी फ्रेंड्स इसका जो हेडिंग है वो मटेरियल कॉस्ट है, और जैसे ही आपका लिखना कंप्लीट हो जाता है आप मुझे बताइएगा, सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। और फ्रेंड्स बाकी लोगों जैसा हम लोग फॉर्मूला रट्टा नहीं मारने वाले हैं, ठीक है, फॉर्मूला लॉजिकली आप ही मुझे बताएंगे, वो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप आंसर देंगे और आपका ही लॉजिक डेवलप होएगा फॉर्मूला का, मैं नहीं बताने वाला हूं, आप ही बताने वाले हो मुझे, ओके। सो जल्दी से फ्रेंड्स जिन लोगों का बाकी है जल्दी से आप कंप्लीट कीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। चलिए विधि जी इनका हो गया, टीटी इंडस्ट्रीज हो गया, बाकी लोग मैक्सिमम लोग, और परचेज प्राइस का जो पार्ट है वो ब्लैंक रखिएगा, उसका सेपरेट से मैं टेबल बना के दूंगा, डन, ओके। गुलाब जी इनका भी हो गया है, अंशिका जी, जी हाँ फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या है अंशिका जी, इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है पहले वो समझ लीजिएगा, आपने इन्वेंटरी परचेस किया लेकिन आप यूज नहीं कर रहे हो, आप तो पैसा पे करके बैठ गए, ये यानी जब आपने मटेरियल परचेस किया था तब तो आपने पूरा पैसा पे कर दिया है, ठीक है। अब ये पैसा आपको वापिस कब मिलेगा, जब ये गुड्स इससे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे, कस्टमर आपको पैसा देगा, तब ये जो पैसा ब्लॉक हुआ था मटेरियल में वो रिलीज होएगा, बरोबर है। तो मटेरियल जब आप आइडल रखते हो ना तब उसमें पैसा ब्लॉक होता है, और पैसा कोई भी कंपनी में पैसा आता कहां से, आप अगर लोन लेते हो, शॉर्ट टर्म लोन लेते हो एक्सेट्रा, वहां से ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए पैसा आता है, तो आपको तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट विल हैव टू कंसिडर हियर, ओके।
चलिएगा फ्रेंड्स, आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट तो बोल दिए है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब तैयार हो जाइएगा पहला फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने के लिए। फ्रेंड्स बाकी लोगों जैसा रट्टा नहीं मारना है, कॉस्टिंग इज नॉट लाइक अ रट्टा पेपर, कि कुछ लोग रट्टे के जैसे सिखाते हैं, हाँ भाई ये रट्टा मार लो, ये फॉर्मूला रट्टा मार लो, ऐसे नहीं फ्रेंड्स, हम लोग एकदम लॉजिकली सीखेंगे। अब मुझे ये जानना है, ओके हो गया काफी सारे लोगों का, ठीक है एवरी वन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अगर थोड़ा बहुत कुछ बाकी रहेगा तो बाद में कंप्लीट कर लेना, ये लेक्चर तो वैसे भी यूट्यूब पे है ही। चलिएगा अब आगे बढ़ रहा हूं फ्रेंड्स, जी हाँ आगे बढ़ रहा हूं। अब आप मुझे बताएंगे, मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, पूरे साल में मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगा ये कैलकुलेट करना है। ठीक है ध्यान से सुनना, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, और जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना वही फॉर्मूला है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा आपको एफर्ट देने का जरूरत ही नहीं है, आप खुद से फॉर्मूला डिराइव करने वाले हो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं फ्रेंड्स, एनुअल इन्वेंट्री सॉरी या फिर एनुअल रिक्वायरमेंट, मुझे पूरे साल में, ध्यान से सुनिएगा, मुझे पूरे साल में 12,000 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है मटेरियल का, 12,000 क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एंटायर ईयर, पूरे साल की रिक्वायरमेंट मुझे मटेरियल की 12,000 क्वांटिटी है, 12,000 यूनिट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं एक बार ऑर्डर प्लेस करता हूं, अगर मैं एक बार ऑर्डर प्लेस करता हूं तो मुझे ये सारे खर्चे लगते हैं। कौन सा खर्चा है, ये कोटेशन बनाने का खर्चा, कोटेशन मंगवाने का, एडवर्टाइजमेंट का, डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा, वॉट एवर, ये सारे खर्चे मुझे लगते हैं ऑर्डर करते वक्त। ठीक है ना, अब ये खर्चे मुझे लगते हैं ऑर्डर करते वक्त, तो एक ऑर्डर का मैंने कैलकुलेशन कर लिया है कि एक ऑर्डर का जो खर्चा लगता है वो लगता है मुझे 100 रुपीज। अगर मैं एक बार ऑर्डर प्लेस करता हूं तो मुझे 100 रुपीज ये सारे खर्चे लगते हैं, ओके 100 रुपीज का मेरा एक्सपेंसेस है। ठीक है, अब आप मुझे फटाफट से आंसर देंगे, अगर मेरा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, मेरा पहला क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने आपको बोल दिया मैं पहले ही दिन चले गया, मैं फर्स्ट डे चले गया, मैं फर्स्ट अप्रैल को चले गया मार्केट में, और मार्केट से मैं पूरे के पूरे 12,000 क्वांटिटी एक साथ परचेस करके लेके आ गया, मैंने बोला पूरे साल में कौन जाएगा मार्केट में, ठीक है वापस लॉकडाउन वगैरह कुछ हो गया तो टेंशन नहीं चाहिए, मेरा प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरे 12,000 क्वांटिटी पहले ही दिन परचेस किया और बोल दिया स्टोर मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को, टेंशन मत लीजिएगा, पूरे 12 महीने का परचेसेस मैंने एक साथ करके आया हूं, टेंशन नहीं, अब मेरा काम हो गया है, आप अभी यूज करो, प्रोडक्शन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा सवाल आपसे यह है, मुझे पूरे साल के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगा, ऑर्डर प्लेस करने का मेरा खर्चा कितना आएगा, इसका आंसर आप दे रहे हो। मैं गया मार्केट में और पूरे 12,000 यूनिट्स लेके आ गया, एक साथ पूरे 12,000 परचेस करके आ गए, एक ही बार गया मार्केट में और मैंने 12,000 क्वांटिटी एक साथ परचेस करके लेके आ गया। अब मुझे यह जानना है चैंपलो, जल्दी से आप आंसर देंगे, ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा कितना आया, ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा कितना है? कुछ स्टूडेंट, अरे भाई टीटी इंडस्ट्री 12 लाख कैसे आएगा, राघव जी 12 लाख कैसे आएगा, ओ माय गॉड, अरे रे 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 रे, एक यूनिट की प्राइस 100 रुपए नहीं है, कंसेप्ट नहीं, आपने गलत कंसेप्ट समझा, एक यूनिट की प्राइस 100 रुपए नहीं है, ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, फोन कॉल करने का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, वहां पे जो वर्कर है वगैरह उनका सैलरी वगैरह, एक ऑर्डर प्लेस करने का 100 रुपए खर्चा है, एक यूनिट का 100 रुपए खर्चा नहीं है, तो 12,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, वो नहीं मैं ये पूछ रहा हूं, परचेस प्राइस नहीं चाहिए मुझे मालिक, मालिक ये परचेस प्राइस नहीं चाहिए मुझे, हाँ सपोज 10 रुपए एक यूनिट का परचेस प्राइस रहता था तो आप 12,000 × 10 करते थे 1,20,000, आई डोंट वांट परचेस प्राइस बॉस, आई वांट ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैंने कितने ऑर्डर प्लेस किए और मुझे कितना खर्चा आया। जी हां जल्दी से आप आंसर दीजिएगा, यस इज इट 100 रुपीज, सब लोग आंसर दो, सब लोग आंसर दो, ओके तो 12,000 का अगर मैं एक साथ परचेस करता हूं तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट, मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा 100 रुपीज, क्योंकि एक बार जाता हूं 100 रुपए का खर्चा आता है तो 100 रुपीज मुझे कॉस्ट लगा, ओके परफेक्ट है। चलो एक मिनट ध्यान दीजिएगा, आ गया सारे लोगों का आंसर आ गया, गुलाब जी एक्सेट्रा,
जैनेश जी, वरुण जी, मुक्ता जी, सब लोगों का आंसर आ गया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा आप, फिर उसका आंसर दीजिएगा। अब मैं बोलता हूं नहीं नहीं ये 12,000 पूरे साल का परचेज एक साथ नहीं करता हूं ना, इन्वेंटरी बहुत मुझे कैरी करना पड़ेगा, तो इन्वेंटरी का कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा। तो मैंने मेरा माइंड चेंज कर दिया और मैंने बोला नहीं नहीं अब एक काम करता हूं, मैं 6 मंथली परचेसेस करता हूं, 6 महीने का रिक्वायरमेंट एक साथ परचेस कर लेगा, मैं 6 महीने का रिक्वायरमेंट में एक साथ परचेस कर लेगा, यानी मैं 2 ऑर्डर प्लेस करूंगा। अब आप मुझे बताएंगे एक साथ में 6,000 क्वांटिटी परचेस करो, हाँ एक साथ में 6,000 क्वांटिटी परचेस करो, पूरे साल की रिक्वायरमेंट 12,000 थी, मैंने सोचा नहीं दर्शन 6-6 महीने का परचेस करना भाई, तू 12 महीने का क्यों करता है। ओके, अब आप मुझे बताएंगे मुझे ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा कितना आएगा, जल्दी से आप आंसर देते रहिएगा फ्रेंड्स, जल्दी से आप मुझे आंसर दे दीजिएगा। कुछ लोग ₹50 बोल रहे हैं, बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट ₹200 बोल रहे हैं। ₹50 कुछ स्टूडेंट का आंसर है, बाकी 99% स्टूडेंट का आंसर ₹200 है। ₹50 कैसे आया, अरे एक बार ऑर्डर प्लेस किया मैंने, एक बार गया मार्केट में और गुड्स लेके आ गया, मुझे ₹100 का खर्चा आया। यहां पे तो मैं 2 बार गया ना, मैं 2 बार मार्केट में गया गुड्स लेके आया, एक बार ये लाया अगले 6 महीने में वापस गुड्स लेके आ गया, तो 2 बार मार्केट में गया तो मुझे 2 बार खर्चा लगेगा, तो मेरा ऑर्डरिंग का कॉस्ट 2 ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय 1 ऑर्डर का ₹100, ₹200 का मेरा कॉस्ट आया। आई होप आपके दिमाग में ये जा रहा है। चलिए अब आप आगे का आंसर दीजिएगा, मैं क्वार्टरली परचेस करता हूं। शुभम जी आपका जो क्वेरी है वो अभी ये रिलेटेड नहीं है, एंड में इसका आंसर देता हूं। शुभम जी आपका जो क्वेरी है सीए में, आप ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में हो, डोंट वरी एंड में 100% आपका आंसर दूंगा जो भी कुछ क्वेरी है, फिलहाल यहां पर फोकस कीजिएगा, इसका आंसर आप देते रहिएगा जी फ्रेंड्स। अब मैं क्वार्टरली परचेस करता हूं, क्वार्टरली यानी अभी आप मुझे बताएंगे क्वार्टरली यानी कितने ऑर्डर आएंगे, इज इट 4 ऑर्डर क्वार्टरली, यानी एक साल में 4 क्वार्टर रहते हैं, तो मैं 4 बार मार्केट में जाऊंगा, 4 बार गुड्स लेके आऊंगा, पहला क्वार्टर फिर दूसरा क्वार्टर फिर तीसरा क्वार्टर फिर 4th क्वार्टर, ठीक है, तो मैं कितना परचेस करूंगा फ्रेंड्स, 4 बार मुझे जाना है, इसका मतलब अगर मैं क्वार्टरली परचेस करता हूं तो आइए 3,000 क्वांटिटी मुझे परचेस करना पड़ेगा। आर यू एग्री विद दिस, आर यू एग्री विद दिस, 3,000 एक साथ, क्योंकि 3,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 पूरे साल की रिक्वायरमेंट 4 बार मैंने परचेस कर ली। ओके, तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगा, मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगा, मैं 4 बार गया मार्केट में तो ₹100 × 4 मुझे ₹400 का खर्चा लग गया, मुझे ₹400 का खर्चा लग गया। ओके, अब जल्दी से आप मुझे यह बताइएगा, अगर मैं हर महीने जाता हूं और हर महीने का परचेसेस फर्स्ट डे पे करके आता हूं तो ऑब्वियसली मैं कितने ऑर्डर प्लेस करूंगा एवरी मंथ, जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, मार्च का अलग, अप्रैल का अलग, दिसंबर का अलग, हर महीने गया मार्केट में और गुड्स लेके आया। अब आप मुझे जल्दी से आंसर देंगे कि मुझे कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा और मेरा ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा कितना आएगा। इज इट फ्रेंड्स जबरदस्त खुंखार आंसर दे रहे हो, एवरीवन करेक्ट आंसर दे रहे हो, तो मुझे सिखाने की जरूरत ही नहीं, आप फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं हर महीने जाता हूं तो मैं 1,000 क्वांटिटी परचेस करूंगा, अगर मैं हर महीने जाता हूं मार्केट में और 1,000 क्वांटिटी परचेस करके आता हूं तो पूरा 12,000 परचेस करना है, तो 1,000 एक साथ परचेस करता हूं तो मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने प्लेस करने पड़ेंगे, मुझे 12 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 12 बार मुझे मार्केट में जाना आना पड़ेगा, ₹100 मुझे कॉस्ट लगता है, तो 1200 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है, अगर ये पॉइंट आपका क्लियर है तो फ्रेंड्स अब हम लोग सोचते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। चलिएगा अब हम लोग इस पे सोचेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, ठीक है, कोई मुझे बताएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कैसे आपने कैलकुलेट किया, ये जो आप आंसर दे रहे हैं ना 400 आंसर दिया, 1200 आंसर दिया, 200 आपने आंसर दिया, ₹100 आपने आंसर दिया, अब उसको मैं फॉर्मूला में डाल रहा हूं, अब उसको मैं फॉर्मूला में डाल रहा हूं, देखो आप जो दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे वही फॉर्मूला है क्या नहीं,
एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज का मतलब एक साथ गया कितने गुड्स लेके आया, एक ऑर्डर में मैं कितने गुड्स लेके आया, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठोको ताली अगर समझ में आ गया तो। जी हां फ्रेंड्स, ठोको ताली अगर यह समझ में आ गया आपको तो। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक साथ जाने का खर्चा कितना आता है। ओके नाउ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ओके, तो इससे क्या आएगा, एकदम बराबर कौन नहीं है, उमंग जी ने एकदम बराबर ऑर्डर आंसर दिया है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। चलो आप जो आंसर दे रहे थे वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स, एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000 है, एक साथ गया पूरे 12,000 परचेस करके लेके आ गया मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर हुए 1, एक ऑर्डर का खर्चा 100 रुपए, तो मैं 100 रुपए पूरे साल में ऑर्डर करने के लिए खर्चा कर रहा हूं। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया था पूरे साल में 12,000 क्वांटिटी परचेस करना है, मैं 6-6 महीने का एक साथ परचेस करके आ गया, यानी 6-6 हजार, 6,000 एक बार 6,000 दूसरी बार मल्टीप्लाइड बाय एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा 100, तो 12,000 परचेस करना है, एक साथ 6,000 परचेस करो, मुझे दो ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 100 रुपए एक ऑर्डर का खर्चा आता है, मेरा 200 रुपए का खर्चा आएगा। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल आपको दिया था क्वार्टरली परचेस करता हूं, तो 12,000 चार क्वार्टर में परचेस करना है, तो एक यानी एक साथ 3,000 परचेस करूंगा, इसका मतलब पूरे साल में 12,000 परचेस करना है, 3,000 एक क्वार्टर में परचेस किया मल्टीप्लाई बाय 100, 12,000 डिवाइडेड बाय 3, चार ऑर्डर आ गए मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया मेरा 400 रुपए का कॉस्ट। इसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं अगला, पूरे साल में 12,000 परचेस करना है, और मैं क्या कर रहा हूं, एक साथ जाके एक एक महीने की परचेसेस कर रहा हूं, एक महीने की रिक्वायरमेंट कितनी, अगर 12,000 12 महीने की रिक्वायरमेंट है तो एक महीने की रिक्वायरमेंट 1,000 आई मेरी, तो 1000 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100, 12 ऑर्डर प्लेस किए मल्टीप्लाइड बाय 100, मेरा ऑर्डरिंग का जो कॉस्ट आ रहा है वो 1200 रुपीज आ रहा है। आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है फ्रेंड्स आपको, अरे हाँ या ना, अगर हाँ ये पॉइंट आपको एब्सोल्युटली क्लियर है तो आप अगला आंसर देंगे, मैं अगर मेरा ऑर्डर साइज, मैं मेरा अगर ऑर्डर साइज 500 रखता हूं, मैं अगर मेरा ऑर्डर साइज 500 रखता हूं तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल में कितना लगेगा, अगर आपको समझ गया ना तो आंसर दीजिएगा, अगर आपको समझ गया तो आंसर दीजिएगा और जल्दी से आंसर दीजिएगा क्योंकि आगे तो और इंटरेस्ट बढ़ने वाला है फ्रेंड्स। चलो जल्दी से, अब मेरा ऑर्डर साइज 500 है, एक साथ जाऊंगा मार्केट में 500 यूनिट्स लेके आऊंगा, एक बार जाऊंगा मार्केट में 500 यूनिट्स लेके आऊंगा, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा, पूरे साल में मुझे ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा कितना आता है। राघव जी एक बार कैलकुलेशन, अच्छा राघव जी नहीं, वेंकटेश जी एक बार कैलकुलेशन चेक करो, 240 या 2400 है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, 2400, सब लोगों को आ गया बॉस, चैंप लोगो तुम लोग, मुझे 12,000 परचेस करना है, 12,000 परचेस करना है पूरे साल में, और एक साथ गया मार्केट में 500 यूनिट से लेके आ गया मल्टीप्लाइड बाय एक ऑर्डर का खर्चा 100 है, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 500, 24 ऑर्डर प्लेस करना पड़ा, एक ऑर्डर का खर्चा है 100 रुपीज, 2400 रुपीज मुझे लग गया, यस ओ नो, अरे हा या ना, अरे यस ओ नो, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या बॉस, मुझे आपका रिप्लाई चाहिए फ्रेंड्स ये पॉइंट पे, क्या आपको ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का कंसेप्ट समझ में आया। पहले तो हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या वो जाना, उसके एग्जांपल जाने, ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो खर्चा लगता है वो हम लोगों ने कंसीडर किया, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूरे साल में कितने आप ऑर्डर प्लेस करते हो मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करते हो उसका भी एक फॉर्मूला है, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। चलो एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं एक बार मार्केट में जा रहा हूं और 100 क्वांटिटी लेके आ रहा हूं, सिर्फ 100, ओनली 100, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा जल्दी से बताइएगा,
मैं एक बार गया मार्केट में एंड सामने वाले को बोला, मालिक ओ मालिक 100 क्वांटिटी दे दो, ये लो पैसे, 100 यूनिट्स ही चाहिए मुझे, वापिस आऊंगा 100 यूनिट लेने के लिए जब ये खत्म हो जाएगा। 100 यूनिट के पैसे भी दे दिए, 100 यूनिट लेके आ गया। अब आप मुझे आंसर देंगे, पूरे साल में मुझे ऑर्डर प्लेस करने के लिए फिर कितना खर्चा लगेगा? पूरे साल में मुझे परचेसेस करना था 12,000, मैं एक साथ 100 यूनिट्स लेके आ गया वो वेंडर से, और मेरा एक ऑर्डर प्लेस करने का जो खर्चा था वो था 100 रुपीज, तो मेरा जो एक्सपेंसेस आ रहा है वो आ रहा है 12,000। जी हाँ फ्रेंड्स, आई होप एवरी वन ऑफ यू ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है। चलिए एकदम बराबर है 12,000, देखिए आप ही देख लो, हर एक एवरी वन 100% स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहा है इसका। अब फ्रेंड्स सब लोग अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सब लोग यहां पे, यस 120 ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय 100, 12,000 आपका आंसर आया, एकदम परफेक्ट आप आंसर दे रहे हो। चलिएगा अब और कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इंटरएक्टिव है सो फटाफट से आंसर देते रहिएगा। एंड माय क्वेश्चन टू यू इज दैट मेरी 12,000 पूरे साल की रिक्वायरमेंट थी, मैं सपोज एक ऑप्शन मैंने ये एक्सरसाइज किया कि एक साथ पूरे 12,000 ऑर्डर साइज मेरा 12,000 है, एक साथ गया और पूरे 12,000 लेके आ गया, और दूसरा एक ऑप्शन था सपोज मेरे पास मंथली परचेस करना, तो एक साथ गया और 1,000 क्वांटिटी में परचेस करके आ गया, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है? प्रोज एंड कॉन्स नहीं समझता है, दोनों के कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। ये जो पहला एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, पहला एग्जांपल का ऑर्डर साइज बहुत ज्यादा है, और जो दूसरा एग्जांपल मैंने दिया है कंपेरेटिवली मंथली जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं तो ऑर्डर साइज जो है वो छोटा है। अब आप मुझे बताएंगे अगर मैं डायरेक्टली 12,000 रिक्वायरमेंट एक साथ परचेस करके लेके आता हूं तो इसके क्या एडवांटेज है? मुझे एक ही मैसेज में पूरा आंसर चाहिए आपका, इसके क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या लिमिटेशन है, क्या डिसएडवांटेजेस है? फिलहाल हम लोग ये 12,000 की सोच रहे हैं, फिलहाल हम लोग ये 12,000 की सोच रहे हैं, 1,000 की मैं आगे आपको क्वेश्चन में पूछ लूंगा आप क्या करने वाले। तो एक साथ गया पूरे 12,000 अगर मैं परचेस करके आ गया, तो आप आंसर दे रहे हो फ्रेंड्स प्लीज जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसके एडवांटेजेस क्या और डिसएडवांटेज क्या है? ओके एक एडवांटेज मुझे पता चल रहा है फर्स्ट एग्जांपल का। ओके तो इन्होंने मुझे एकदम बराबर बोल दिया कि सर आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट एकदम कम लगेगी, लोएस्ट है ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, एकदम कम लगी है। ओके ठीक है, वेरी गुड, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगी सर, डिस्को सर जी, डिस्को डिस्को ज्यादा मिलेगा, बल्क परचेजेस का आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है और क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगा। वेरी गुड, और फ्रेंड्स मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग बराबर से आंसर दे रहे हैं, कैरिंग कॉस्ट के साथ इन लोगों ने, चैंप वो मालिक आप मालिक, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट तो मैंने कम कर ली, ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने कम कर ली लेकिन कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि पूरे साल की रिक्वायरमेंट मैं एक साथ अगर परचेस कर रहा हूं तो मुझे उतना बड़ा स्टोर रूम लगेगा, उतने ज्यादा मुझे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, सब कुछ, सैलरी, वेजेस, स्टेशनरी, सब कुछ बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये एडवांटेज और लिमिटेशन है 12,000 का। चैंपो सर आप लोग, खुंकार, कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको या नहीं? आई एम रियली इंप्रेस्ड विथ योर आंसर्स, ठीक है, काफी सारे डिस्काउंट मिल सकते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन फ्री, वॉट एवर। अब चलो एक दूसरा एग्जांपल है ना, ओके चिराग गर्ग, अरे बॉस आप तो चैंप निकले, चिराग गर्ग, इन्होंने आंसर दे दिया है कि सर कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप है। बॉस मैं जो अगला पॉइंट डिस्कस करने वाला था इन्होंने पहले ही बता दिया, चैंपो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का इनवर्स रिलेशनशिप है, वेरी गुड। चलेगा अब ध्यान से सुनते हैं, अगर मैं लॉट साइज कम कर रहा हूं,
अगर मैं ऑर्डर साइज कम कर रहा हूं, एक साथ में अगर कम क्वांटिटी परचेस कर रहा हूं, तो इसके एडवांटेज क्या है और इसके लिमिटेशन क्या है? इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके लिमिटेशंस क्या है? जी या मालिक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं मंथली परचेस करता हूं या फिर एवरी मंथ दो बार जाता हूं परचेस करता हूं, पूरे साल में 24 ऑर्डर अगर मैंने प्लेस कर दिया, तो इसके एडवांटेज क्या है और लिमिटेशन क्या है? जी हाँ, वेरी गुड, क्या बात है, कौन नहीं है? प्रफुल जी, प्रफुल जी बोल रहे, सर आपको जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, सर आपको जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप बार बार जा रहे हो, लगातार जा रहे हो, ठीक है, तो बार बार लगातार जा रहे हो, इसकी वजह से आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, मान लिया बॉस आपको। और कुछ स्टूडेंट इमीडिएटली बोल रहे सर, कुछ स्टूडेंट इमीडिएटली बोल रहे कि सर जी आपको जो कैरी करने का खर्चा बहुत कम लगेगा, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी आप लेके आए हो, तो स्टोरेज की कॉस्ट कम लगेगी, आपके फंड ब्लॉक कम होने वाले है, आपको छोटी जगह लगेगी वेयरहाउस में, वहां पर रेंट कम पे करना पड़ेगा, आपको फर्नीचर कम लगवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, सैलरी, वेजेस, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, सारे के सारे खर्चे कम लग सकते हैं अगर आप कम क्वांटिटी में परचेस करेंगे तो। ठीक है, तो क्या मजा आ रहा है बॉस, बहुत खूंखार आप आंसर दे रहे हो ना, मुझे बहुत, आई एम रियली इंप्रेस्ड, तोड़ आप आंसर दे रहे हो। ओगेस, अच्छा ये आंसर आया है जैनेश जी, वेरी गुड जैनेश जी बोल रहे कि इसका एक लिमिटेशन भी है, अगर मंथली आप परचेस करते हो तो डिस्को कम मिलेगा, डिस्काउंट जो है वो कम मिलेगा, या फिर डिस्काउंट मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपका लॉट साइज कम हो गया, जब आप बल्क में परचेस करते हो तो जनरली डिस्काउंट मिलता है, आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तोड़ मालिक, क्या ऐसे लग रहा है दोपहर को ही लेक्चर लेना चाहिए, क्या शानदार आंसर दे रहे हो फ्रेंड्स, खूंखार आंसर दे रहे हो, चलेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला तो मैंने डिस्कस कर लिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑर्डर्स, आपको लिखना है ये, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, लिखो ये फॉर्मूला। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जी हाँ गुलाब जी, इट्स एन अपोजिट टू द फर्स्ट आंसर, वेरी गुड। बिंदु जी, फाइनेंस कॉस्ट कम लगेगा यानी कैरिंग कॉस्ट कम लगेगा, वेरी गुड। ऑप्शलेंसेस का चांसेस कम होएगा, वेरी गुड चिराग जी, ठीक है। और फ्रेंड्स अच्छे से ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आता है वो भी हमें लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आता है, पूरे साल में कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे वो कैसे आता है, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। जी हां सर, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, जी हाँ प्लीज, ये दोनों फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द कैरिंग कॉस्ट, फिर आप भी नेक्स्ट कंसेप्ट आपको समझाना है, दैट इज द कैरिंग कॉस्ट। और बिना भूले ये नीचे वाला फॉर्मूला भी लिखना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे 24,000 पूरे साल, सॉरी 12,000 पूरे साल की रिक्वायरमेंट थी, एक साथ परचेस किया 12,000 तो एक ऑर्डर आएगा, 6,000 परचेस किया मैंने तो दो ऑर्डर आएगा, देन 4,000 अगर एक साथ परचेस किया तो तीन ऑर्डर आएगा, 3,000 एक साथ परचेस किया तो चार ऑर्डर आएगा, 2,000 एक साथ परचेस किया तो छह ऑर्डर आएगा, अगेन 1,000 एक साथ परचेस किया तो 12 ऑर्डर आएगा, 500 एक साथ परचेस किया तो 24 ऑर्डर्स आएगा। आई होप एब्सोल्युटली क्लियर ये पॉइंट, चलिए। अब इमीडिएटली कैरिंग कॉस्ट जो है वो लिखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है, प्लीज एवरीवन राइट डाउन, एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप लिख लीजिएगा, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंटरी मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट, सीसी यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम,
एक यूनिट को कैरी करने के लिए कितना खर्चा लगता है, सीसीपीयू पीए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। जी हाँ लिख लीजिएगा, कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरी करना है तो ऑन एन एवरेज आप कितना इन्वेंट्री कैरी करते हो ये आपको फाइंड करना है, मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी एक यूनिट पूरे साल तक कैरी करेंगे तो कितना खर्चा आता है, मल्टीप्लाई बाय ऑन एन एवरेज आप कितना यूनिट्स कैरी करते हो। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, डोंट वरी एट ऑल। अगेन इसके बाद बहुत अच्छे से एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है उसका फॉर्मूला आपको लिखना है, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू। जी हां सर, ये दोनों फॉर्मूला जो ब्लू पेन से लिखा है वो दिमाग में फिट कर दो फ्रेंड्स, हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये आपको अप्लाई होने वाला है। और अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था नवंबर 2020 में यही रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो भी 10 मार्क्स के लिए, एंड बिलीव मी अगले एक लेक्चर में वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप बिना मैंने आपको सजेस्ट किए यानी बिना आपको गाइड किए आप आराम से वो सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ मेरा एक दो क्वेश्चन भी अगर हो जाता है, आपको बता दिया ऐसे ऐसे फॉर्मेट है, आप आराम से वो 10 मार्क्स स्कोर कर सकते थे। जी ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू, यानी अगर ऑर्डर साइज 12,000 है डिवाइडेड बाय टू 6,000 क्वांटिटी आप कैरी करेंगे, अगर आपका ऑर्डर साइज 6,000 है एक साथ 6,000 क्वांटिटी परचेस करते हो तो 6,000 डिवाइडेड बाय टू आपका 3,000 एवरेज इन्वेंट्री आएगा, अगर आप 1,000 परचेस करते हो एक साथ डिवाइडेड बाय टू 500 क्वांटिटी आपके पास ऑन एन एवरेज स्टॉक में रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, हमें सिर्फ ये रट्टा नहीं मारना है, हमें इसके पीछे का लॉजिक भी जानना है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। अगर आपका ये हो गया है तो आगे मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं इसका, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन लॉजिक। इतना तो समझ में आ गया कि कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, इन्वेंट्री कैरी करने का खर्चा, एक यूनिट का कैरी करने का खर्चा मल्टीप्लाइड बाय आप जितना यूनिट कैरी करते हो उससे आपने मल्टीप्लाई किया। अब ये आता कैसे एक्चुअल में वो देखते हैं, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू, मुझे आपकी हेल्प लगेगी ये सॉल्व करने में। प्राची जी ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय थ्री नहीं है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू है, थ्री किधर लिखा है मैंने, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके मालिक, अब ये जो फॉर्मूला है उसका लॉजिक हम लोग देख लेते हैं, ऐसा क्यों हुआ कि ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू क्यों हुआ है, सब लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लॉजिक तो आपको कोई पूछेगा नहीं, फिर भी फॉर अंडरस्टैंडिंग ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट फ्रेंड्स। मैं 5 दिन का परचेसेस एक साथ करता हूं, यानी 5 दिन में मुझे जितने यूनिट्स लगने वाले थे वो मैं एक साथ परचेस करके ला रहा हूं। ओके, चलिए एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, 5 दिन की रिक्वायरमेंट में एक साथ परचेस करके आता हूं, मेरा पर डे एक यूनिट की ही रिक्वायरमेंट है, मुझे एक ही यूनिट पर डे लगता है, और 5 दिन में जितने यूनिट्स लगने वाले थे मैं मार्केट में जाके उतने यूनिट्स लेके आता हूं, कोई मुझे बताएगा मेरा ऑर्डर साइज कितना है, कोई मुझे बताएगा मेरा ऑर्डर साइज कितना है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक साथ 5 दिन की रिक्वायरमेंट में मार्केट से लेके आ रहा हूं, एक दिन में एक ही यूनिट कंज्यूम करता हूं, सपोज 365 डेज है तो 365 यूनिट कंज्यूम करूंगा मैं, लेकिन 5-5 दिन का एक साथ, जैसे कि आपके घर पे वेजिटेबल्स वगैरह आपके मम्मी वगैरह लोग परचेस करते हैं पूरे हफ्ते का एक साथ लेके आते हो, अगर वर्किंग रहेंगे मम्मी पापा वगैरह तो उनको टाइम नहीं रहता है तो संडे को जाके पूरा लेके आते, वैसे ही 5 दिन का रिक्वायरमेंट एक साथ अगर मैं लेके आता हूं, ठीक है, तो मेरा ऑर्डर साइज कितना रहेगा, ऑब्वियसली मेरा जो ऑर्डर साइज रहेगा वो 5 यूनिट का रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रोज एक एक यूनिट में यूज करने वाला हूं, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, डे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, फर्स्ट डे पे सुबह सुबह ताजा ताजा 5 यूनिट में लेके आ गया। ओके, सुबह सुबह जाके 5 यूनिट में लेके आ गया,
उसमें से मैंने प्रोडक्शन को एक यूनिट दिया, वो दिन के प्रोडक्शन को, फर्स्ट डे पे प्रोडक्शन करना था, मैंने एक यूनिट प्रोडक्शन को दे दिया। बच्चों चलो बताओ मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बच्चों चलो बताओ मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा। मैं सुबह 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 ओपनिंग में, ठीक है, मार्केट से 5 यूनिट लेके आ गया। फर्स्ट डे पे प्रोडक्शन को एक यूनिट मैंने दे दिया, चलो बच्चों जल्दी बताइएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा 4। तो वो दिन का आप मुझे बता दो ना, ऑन एन एवरेज स्टॉक कितना हुआ। हम लोग बचपन से सीखते आ रहे एवरेज का फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। बच्चों चलो जल्दी बताओ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 मेरा एवरेज स्टॉक कितना था पहले दिन का। बच्चों चलो ये आंसर दो, अभी क्लोजिंग का आंसर आपने बराबर से दे दिया है, अब आप जल्दी से बच्चों आंसर दो मेरा एवरेज स्टॉक कितना आएगा। फ्रेंड्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, सुबह सुबह कितने यूनिट थे 5, शाम में कितने यूनिट थे 4, 5 प्लस 4 9 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ गया 4.5। तोड़ मालिक एकदम बराबर है। चलो सेकंड डे की शुरुआत हुई है, सेकंड डे की शुरुआत हुई है, सेकंड डे की शुरुआत हुई है, सेकंड डे पे ओपनिंग स्टॉक आया मेरा 4, एक यूनिट मैंने प्रोडक्शन को दे दिया, मेरे क्लोजिंग में कितने यूनिट आएंगे 3 यूनिट आएंगे। ओके अब आप जल्दी से बता दीजिएगा सेकंड डे पे मेरा ऑन एन एवरेज स्टॉक कितना था, 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 4 और 3 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इट 3.5 आया। वेरी गुड फ्रेंड्स। फिर थर्ड डे की मॉर्निंग में 3 यूनिट मेरा ओपनिंग स्टॉक था, प्रोडक्शन को मैंने 1 यूनिट दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक आएगा मेरा 2 यूनिट। तो थर्ड डे पे मेरा स्टॉक कितना रहेगा एवरेज स्टॉक 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर आ गया 2.5। ओके फिर फोर्थ डे पे ओपनिंग स्टॉक था 2, एक यूनिट मैंने प्रोडक्शन को दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक आएगा मेरा सिर्फ 1, तो 1.5 यूनिट मेरा ऑन एन एवरेज स्टॉक में था। फिर फिफ्थ डे पे मेरा जो ओपनिंग स्टॉक आएगा 1, ठीक है, मैं वो 1 यूनिट प्रोडक्शन को देने के बाद क्लोजिंग में मेरा 0 यूनिट बचेगा, तो 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 मेरा आंसर आ गया 0.5। चलिएगा अब जल्दी से आप मुझे आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, एवरेज स्टॉक की टोटल लेके आंसर दीजिएगा, ये जो एवरेज स्टॉक है इसकी टोटल कितनी है बताओ। तो 5 दिन का ऑन एन एवरेज स्टॉक कितना था, 5 दिन का ऑन एन एवरेज स्टॉक कितना था, 5 दिन का, 5वें दिन का आ गया है, 5 दिन का कितना था टोटल लो, 4.5 प्लस 3.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5, नहीं बताएंगे क्या? अरे ऐसा मत करो ना, अरे जल्दी बताओ ना। जी हां, जी हां, बता दिया ना, अरे बता दिया ना, अरे बता दिया ना, अरे 5 दिन का अगर मैं टोटल लेता हूं, अरे 5 दिन का अगर मैं टोटल लेता हूं तो वो 12.5 आता है। सही है गुरु, बराबर है, 12.5 आया सब लोगों का, ठीक है। अब लॉजिक समझते हैं ना, अरे 12.5 ये 5 दिन का है तो एक दिन का एवरेज कितना हुआ भाई, अरे ये 5 दिन का है, मुझे ऑन एन एवरेज कितना इन्वेंटरी स्टोर्स में रहता है ये जानना है। चलो 12.5 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 दिन का हमने वर्किंग किया है, तो एक दिन का ऑन एन एवरेज स्टॉक कितना था जल्दी बताइएगा, एक दिन का ऑन एन एवरेज स्टॉक कितना था, इज इट 2.5, इज इट 2.5 मालिक, अरे हाय ना, इज इट 2.5, बराबर है, काफी सारे स्टूडेंट 2.5 आंसर दे रहे। चलो मालिक वो एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला बताओ, चलो 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 ओ मालिक एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला बताओ ना, एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला था ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय क्यू, ऑर्डर साइज कितना था मेरे 5 यूनिट का ऑर्डर साइज था, 5 यूनिट का ऑर्डर साइज था डिवाइडेड बाय क्यू, मेरा आंसर आ रहा है 2.5। मैंने मैच करवा के दे दिया फ्रेंड्स आपको, ये 2.5 ऑन एन एवरेज कैसे आया, तोड़ना मालिक वो फॉर्मूला कहां से आया। देखो इतना एक्सप्लेनेशन तो आपको कोई पूछेगा नहीं और कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है, इतना पूरा ये टैली करके कोई बताएगा नहीं, ठीक है, या फिर अभी मेरा लेक्चर देख के बता सकता है कोई, लेकिन क्या ये लॉजिक दिमाग में गया फ्रेंड्स, कैसे वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग, ये कैसे आया ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। तो 5 यूनिट का अगर आपका ऑर्डर है तो ऑन एन एवरेज आप कितना स्टोर्स में रखेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 इज योर आंसर। सच में बता दो सर, ये कोई बताता नहीं है, मैं जब पढ़ा था तब ये किसी ने बताया नहीं था, तो ऐसे ही जुगाड़ लगा लगा के ये सारे डेरिवेशन लाए हैं।
हम लोगों को सिर्फ बताया गया था हाँ भाई तुम एक काम करो, डायरेक्ट ईओक्यू का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, ये ईओक्यू का फॉर्मूला है ठीक है, ये आप अप्लाई कीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने का ठीक है। हम लोग डरे हुए सहमे हुए रहते थे, क्वेश्चन नहीं पूछते थे, 200 300 400 लोगों में बैठे हुए रहते थे, क्वेश्चन पूछना ही नहीं बहुत बड़ा पाप होता था ठीक है, तुच्छ नजरों से देखा जाता था, एक दो बार अगर इंसल्ट कर दिया तो बाद में किसी की इच्छा ही नहीं होती थी डाउट पूछने का, राइट। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया, आई होप ये ऑब्वियसली मैंने तो आपको पूरा टैली करके दे दिया, मैंने पूरा ये आपको टैली करके दे दिया कि ये यानी क्या चल क्या रहा है, ऐसे क्यों इन्होंने अप्लाई किया है। देखो इसका लॉजिक सिंपल, इसमें क्या है, कुछ दिन ज्यादा स्टॉक रहता है, स्टार्टिंग में ज्यादा स्टॉक रहेगा और एंड में कम स्टॉक रहता है ठीक है, तो वो ऑन एन एवरेज मैच हो जाता है ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू। जैसे मंथ के स्टार्टिंग में या फिर आपने जब ऑर्डर प्लेस किया था स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा यूनिट है, फिर आप यूज करते हो कम होता है कम होता है कम होता है कम होता है और एंड में एकदम जीरो हो जाता है, तो अगर आप देखेंगे पहले ज्यादा बाद में कम तो वो एवरेज हो जाता है। जी सर तोड़ मालिक। सो फ्रेंड्स एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, क्योंकि इसके आगे का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है मालिक। तोड़ जी हाँ, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देख लिया, मैंने कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देख लिया। अगर बात करें ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और इसको अगर डिटेल में मैं देखूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर आता है एनुअल रिक्वायरमेंट, लिखना नहीं है ये हो गया है। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक आधे पेज का वो आपका आंसर रहेगा और आप खुद से करेंगे, मुझे गारंटी आप पे। एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये फॉर्मूला मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट का, जी हां। और कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये शॉर्ट फॉर्म चलता है सीसीपीयू, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये शॉर्ट फॉर्म चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है, अभी हमने देखा ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू, ये ऑन एन एवरेज आप इन्वेंट्री कैरी करते हो मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जी हां। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया कैरिंग कॉस्ट का, ये आपका फॉर्मूला हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट का, ठीक है। ओके, अब आप मुझे आंसर देंगे, फिर मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा के लूंगा, एक छोटा सा कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन का आंसर दीजिएगा। फ्रेंड्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दो रुपए है, टू रुपीज, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम टू रुपीज है। अब आप मुझे यह आंसर देंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा जब मेरा ऑर्डर साइज एक साथ 12,000 परचेस किया, एक साथ 6,000 परचेस किया, एक साथ 3,000 परचेस किया, एक साथ 1,000 परचेस किया, ये चार ऑप्शन में मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, ये जल्दी से आप बताइएगा। चलो चलो चलो, काफी देर हुआ क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, तो क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया, ऊपर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में आप अप्लाई कीजिएगा, कैरिंग कॉस्ट के फॉर्मूला में अप्लाई कीजिएगा एंड टेल मी मेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा। जी आंसर भी आ गया हर्षा जी, वेरी फास्ट, मुक्ता जी वेरी फास्ट। तो देखो ऑर्डर साइज था मेरा 12,000 डिवाइडेड बाय 2, ऑन एन एवरेज कितना इन्वेंटरी 6,000 इन्वेंटरी, मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करता हूं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 12,000 आंसर आए। सेकंड में मेरा ऑर्डर साइज 6,000 था डिवाइडेड बाय 2, ऑन एन एवरेज 3,000 क्वांटिटी में कैरी करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 ठीक है, तो मेरा जो आंसर बन रहा है वो 6,000 आ रहा है। ओके समझ गया। फिर इसके बाद जो पॉइंट था कि 3,000 का अगर मेरा ऑर्डर साइज है डिवाइडेड बाय 2,
आधे दिन ज्यादा स्टॉक रहता है, आधे दिन कम स्टॉक रहता है, तो ऑन एन एवरेज 1500 स्टॉक रहेगा मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, तो क्या मेरा आंसर 3000 आ रहा है? जी हाँ, मेरा आंसर 3000, आपका भी वही आया. अगर मैं 1000 एक साथ परचेस करता हूं तो डिवाइडेड बाय 2 यानी 500 क्वांटिटी ऑन एन एवरेज मैं कैरी करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरा जो आंसर बन रहा है वो 1000, और आपका भी यही आंसर आया है. आपका भी यही आंसर है 1000, 3000, 6000, 12000, आपका भी ये आंसर मैं देख रहा हूं सामने. चलेगा, अब थोड़ा सा लॉजिक, अब लॉजिक देखेंगे. मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्डरिंग कॉस्ट. 12000 का मेरा अगर ऑर्डर साइज रहेगा तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, चलो आप भूल गए रहेंगे, कैरिंग को कॉस्ट लेता हूं, वो एग्जाम्पल स्किप हो गया रहेगा. ठीक है, तो 12000 के लिए 12000 आ रहा है और 1000 के लिए 1000 आ रहा है. तो आप मुझे बताएंगे कैरिंग कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एक साथ अगर बल्क में परचेस कर लिया, एक साथ अगर मैंने पूरा 12000 क्वांटिटी परचेस कर लिया, तो इसके एडवांटेज बताइएगा और लिमिटेशन बताइएगा. अभी इसके आप तोड़ मालिक आंसर दीजिएगा. एक साथ जाके मैं 12000 क्वांटिटी परचेस करके आ गया, अब इसके मुझे एडवांटेज चाहिए और डिसएडवांटेज भी चाहिए, फिर मैं वो 1000 का पूछूंगा आपसे, फिर एक खूंखार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे हम लोग. जी हाँ सर, फटाफट से आंसर देते रहिएगा, वेटिंग फॉर योर आंसर. ओके, अगर 12000 का मेरा ऑर्डर साइज है तो मुझे जो कैरिंग कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा लग रहा है, ये मेरा लिमिटेशन है, लिमिटेशन है, सबसे ज्यादा कैरिंग कॉस्ट लग रहा है. ठीक है, और जो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मेरा कम लग रहा है क्योंकि एक ही बार जाना पड़ रहा है. फिर कुछ लोग बोलेंगे मुझे डिस्काउंट वगैरह ज्यादा मिलेगा. अगर मैं 1000 पे आता हूं तो इसके एडवांटेज और लिमिटेशन क्या है? 1000 एक साथ परचेस किया तो मुझे कैरिंग कॉस्ट कम लगेगा, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगेगा, बार बार मुझे जाना पड़ेगा. तो किसी स्टूडेंट ने, आई गेस मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, गर्ग कोई स्टूडेंट था, उन्होंने एक रिलेशनशिप बताया कि मालिक कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का इनवर्स रिलेशनशिप है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होएगा, कैरिंग कॉस्ट कम होएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा. ठीक है, ओके, वेरी गुड, आप एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हो, आप एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हो, तोड़ मालिक, एकदम तोड़ मालिक, आप एकदम बराबर आंसर दे रहे हो. अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवा के ले रहा हूं आपसे, बॉस आपसे बात कर रहा हूं. अगर ध्यान आत्मा इधर उधर भटक रहा है तो यहां पे लेके आइएगा, अब मजा आने वाला है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवा के ले रहा हूं आपसे. सब लोग ध्यान दीजिएगा, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट फ्रेंड्स. क्वेश्चन आपको लिखना है, 3 लाइन का ही है. एनुअल रिक्वायरमेंट इज 12000, एनुअल रिक्वायरमेंट इज 12000, 12000 ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 75 रुपीज पर ऑर्डर है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 20 पैसे है. ठीक है, 20 पैसे है, एक यूनिट पूरे साल तक कैरी करना है तो 20 पैसे का खर्चा आता है. आप कैलकुलेट करेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट. रुकिए, पहले पूरा समझ लीजिएगा मुझे आंसर कैसे चाहिए. मैं आपको एक कॉलम बना के दे रहा हूं, अगले कॉलम्स आप बनाएंगे, तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा. कैलकुलेट टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, कैलकुलेट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इफ ऑर्डर साइज का मतलब एक साथ जाके कितना क्वांटिटी मार्केट के मार्केट से लेके आ गया. इफ ऑर्डर साइज इज 12000, 6000, 4000, 3000,
2000, 1000, 500, बस दर्शन बस बहुत हो गया। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, रुकिए आंसर मत दीजिए, मुझे आंसर एक फॉर्मेट में चाहिए, वो फॉर्मेट आपको करना है। पहले क्वेश्चन क्या है आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में बोला गया मैंने कि पूरे साल की रिक्वायरमेंट 12000 है, एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा 75 रुपीज है, एक बार गया मार्केट में गुड्स लेके आता हूं तो 75 रुपीज का खर्चा आता है, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह, वेजेस, सब कुछ मिला के मुझे खर्चा आ रहा है 75 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है 20 पैसे, एक यूनिट कैरी करने का खर्चा सिर्फ 20 पैसे, ओके। और मुझे चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, अगर मेरा ऑर्डर साइज है 12000, 6000, 4000, 3000, 2000, 1000 एंड 500। अब फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, मुझे आंसर ऐसे वैसे नहीं चाहिए, अब एक एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 6-6, 7-7 बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मैं ये कॉलमनर फॉर्म में प्रिपेयर करके दे रहा हूं, पहला कॉलम मैं करके दूंगा, अगले जो कॉलम है वो आप करने वाले हो, तो प्लीज एवरीवन कॉन्सेंट्रेट हियर, अगले कॉलम्स आप प्रिपेयर करने वाले हो, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए, और मुझे प्रेजेंटेशन एकदम प्रॉपर चाहिए बॉस, बिल्कुल उसमें आगे पीछे नहीं चाहिए। जी हां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम और, ठीक है सब लोग यहां ध्यान दे, ए का आंसर, बी का आंसर, सी का आंसर, डी का आंसर, ई का आंसर, एफ का आंसर और जी का आंसर, अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन है फ्रेंड्स, अगले 20 क्वेश्चन आप यू कर लेंगे अगर ये आपको समझ गया तो, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एनुअल रिक्वायरमेंट, अब आप बाद में लिखिएगा क्योंकि आपको ही कंप्लीट करना है मालिक, घाई मत कीजिएगा। एनुअल रिक्वायरमेंट मुझे पूरे साल की रिक्वायरमेंट थी 12000, नेक्स्ट ले रहा हूं मैं ऑर्डर साइज, मेरी जो ऑर्डर साइज है वो ऑर्डर साइज कितनी, ए में 12000, पूरे साल में 12000 परचेस करना है, ऑर्डर साइज का मतलब एक बार मार्केट में जाके मैं 12000 परचेस कर रहा हूं तो मेरे जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं वो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑब्वियसली 1 आएगा, मेरे जो नंबर ऑफ ऑर्डर है वो ऑब्वियसली 1 आएगा, देयरफॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, मालिक जो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो आएगा, एक ऑर्डर का 75 रुपीज है और मैं एक ही ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो 75 रुपीज मेरा आंसर आया, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट का ही फॉर्मूला टेबुलर फॉर्म में लिखा है, अगर आपको याद आ रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट के फॉर्मूला में क्या क्या था, एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर साइज से डिवाइड करो, उससे आ जाता है नंबर ऑफ ऑर्डर, और नंबर ऑफ ऑर्डर को एक ऑर्डर के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आ गया टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फ्रेंड्स क्या ये पॉइंट समझ में आया सब लोगों को, से यस ऑर नो, क्या ये पॉइंट सब लोगों को समझ में आया, शुड आई प्रोसीड फ्रेंड्स, क्या ये पॉइंट समझ में आया, शुड आई प्रोसीड, जल्दी से आप आंसर देते रहिएगा फ्रेंड्स। जी हाँ, समझ में आया, ऑर्डरिंग कॉस्ट का ही फॉर्मूला था, मैंने वो टेबुलर फॉर्म में लिखा क्योंकि बार बार इतने मुझे ए टू जी इतने आंसर देने हैं तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, टेबुलर फॉर्म में कर दिया मैंने, तोड़ मालिक, समझ में आ रहा है मैक्सिमम लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। फिर मैं ले रहा हूं एवरेज इन्वेंट्री, वो एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है, तो ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज है मेरा 12000 डिवाइडेड बाय 2, 6000 क्वांटिटी मेरा एवरेज इन्वेंट्री है। फिर मैं लिख रहा हूं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट कैरी करने का खर्चा 0.20 है, मैं 6000 यूनिट कंटिन्यूअसली कैरी करूंगा पूरे साल में तो मेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, 6000 × 0.12, इज इट 1200 आंसर आया। अब आप मुझे बताएंगे देयरफॉर मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कितना आया, मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों मिला के मेरा खर्चा आ रहा है, इज इट 12000, या सॉरी 12075,
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इज इट 1275? जी हाँ, इज इट 1275? बरोबर है, ओके परफेक्ट है। बी का आंसर, सी का आंसर, डी का आंसर, ई का आंसर, एफ का आंसर और जी का आंसर दोस्त मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं नहीं बताएगा, एंड में मैं बताने वाला हूं। अब जल्दी से आप कंप्लीट कीजिएगा, जुगाड़ कीजिएगा, खुद से करने की कोशिश करो। बाकी लोगों जैसा मैं लिखते जाऊंगा और आप कॉपी करेंगे ऐसा नहीं चलेगा, आपको सॉल्व करना है। एक मैंने आपको हिंट बता दी, अब आगे आपको बढ़ना है। चलिए बी का आंसर लिखिएगा, सी का आंसर, डी का आंसर, ई का आंसर, एफ का आंसर, जी का आंसर और प्रॉपरली यही प्रेजेंटेशन, यही फॉर्मेट में मुझे आंसर चाहिए। जल्दी एग्जाम्पल तो हम लोगों ने लिखा हुआ था। और मुझे एक ही साथ सारे आंसर चाहिए ना, ऐसे मत बोलना कि बी का ही आंसर है, फिर थोड़ी देर बाद सी का ही आंसर है, फिर थोड़ी देर बाद डी का आंसर है। बॉस पूरा टेबल कंप्लीट करो एक ही मैसेज में, बी सी डी ई एफ, सर ये आंसर है, चेक कर लो आप। अरे चैंप लोग कहाँ अटक गए? प्रफुल्ल जी शायद, या पारुल जी, सॉरी आई एम सॉरी, पारुल जी शायद 750 है आंसर आपका, टाइपिंग में 75 लिखा है आपने, एक बार वो भी चेक कर लेना, 750 है क्या, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, एक जीरो कम है मेरे हिसाब से, आप एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा। पारुल जी एक बार आंसर चेक करो, शायद शायद 750 है वहां पे, और आगे की भी आंसर एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चिराग जी ने आंसर दिया 750, ओके बी का आंसर है ये, 750 के बाद 625, ठीक है। मुक्ता जी भी आंसर दे रहे, 1275 पहला आंसर है, 6750 दूसरा आंसर है, 625 तीसरा आंसर है, 600 1000 चलेगा, 1275, काफी सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, शाबाश सही है। अंशिका जी भी आंसर दे रहे, सही आंसर दे रहे। देखिएगा मैंने तो सिर्फ एक ही कॉलम डिस्कस किया था, बाकी खुद से आप इतने सारे कॉलम का वर्किंग कर रहे हो, रियली प्राउड ऑन यू, प्राउड ऑफ यू फ्रेंड्स, बराबर से आप आंसर दे रहे हो। काफी सारे स्टूडेंट का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, 90-95% स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल। चलिए जिनका बाकी है वो करते रहिएगा, तब तक मैं ये बी का आंसर लिख लेता हूं, ठीक है। मैं एनुअल रिक्वायरमेंट लिख दिया 12,000, बी क्वेश्चन में मेरा जो ऑर्डर साइज था वो 6,000 था, यानी एक साथ मार्केट में 6,000 क्वांटिटी परचेस करके लेके आ गया। मेरे पूरे साल की रिक्वायरमेंट 12,000 थी, एक साथ मैं 6,000 परचेस करके लेके आ रहा हूं, तो मुझे दो ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। एक ऑर्डर का खर्चा 75 है, तो दो ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा ऑब्वियसली 150 आएगा। अब मैं कैरी कितना करूंगा, तो एवरेज इन्वेंट्री मुझे देखना पड़ेगा, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू, मेरा ऑर्डर साइज 6,000 था, डिवाइडेड बाय टू
यानी मैं ऑन एन एवरेज 3000 क्वांटिटी कैरी करूंगा, 3000 क्वांटिटी कैरी करूंगा, एक यूनिट का कैरी करने का खर्चा 0.20 है, 3000 इंटू 0.20 मेरा आई गेस 600 रुपीज का कैरी करने का खर्चा आता है, और जो मेरा टोटल खर्चा आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिला के 150 प्लस 600 मेरा आंसर आ रहा है 750, और मैक्सिमम स्टूडेंट का भी यही आंसर है 750 ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट। अगर सी की बात कर रहा हूं, मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट 12000 है, और सी क्वेश्चन में आई एम गोइंग टू परचेस 4000 एट अ टाइम, मार्केट में जाऊंगा और 4000 परचेस करके लेके आऊंगा, सो 12000 डिवाइडेड बाय 4000, मैंने तीन बार ऑर्डर प्लेस किया, मैंने तीन ऑर्डर प्लेस किए, ओके, एक ऑर्डर का प्लेस करने का खर्चा 75 है, तीन ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा 225 मेरा खर्चा आ गया। अब मैं ऑन एन एवरेज कितना इन्वेंट्री कैरी करूंगा, 4000 डिवाइडेड बाय 2, जी हाँ 4000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2000 क्वांटिटी कैरी करूंगा, एक यूनिट कैरी करने का खर्चा 20 पैसा है, तो 400 यूनिट में 400 रुपए का खर्चा आएगा कैरी करने का, और मेरा टोटल खर्चा आ रहा है 625। परफेक्ट। अब डी क्वेश्चन का अगर मैं चेक करता हूं तो एनुअल रिक्वायरमेंट इज 12000, एक साथ में 3000 क्वांटिटी परचेस कर रहा है, मुझे चार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, एक ऑर्डर का खर्चा 75 है, चार ऑर्डर का खर्चा आएगा मेरा 300 रुपीज, ऑन एन एवरेज ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, 3000 डिवाइडेड बाय 2, 1500 इन्वेंट्री में कैरी करूंगा, एक यूनिट कैरी करने का खर्चा 20 पैसा है, 300 रुपए मुझे कैरी करने के लिए आएगा, 600 रुपीज मेरा आंसर है। तोड़ मालिक, मैक्सिमम स्टूडेंट ने यह भी आंसर करेक्ट दिया है। ओके, आगे बढ़ रहा हूं ई में, मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट 12000 थी, एक साथ जाके मैं 2000 क्वांटिटी परचेस कर रहा हूं, मैंने 6 ऑर्डर प्लेस करने हैं, एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा मेरा 75 है, तो 6 ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा मेरा 450 आएगा, यस। ऑन एन एवरेज में कितना यूनिट कैरी करूंगा, तो 1000 ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, 1000 यूनिट्स मैंने कैरी किया, एक यूनिट कैरी करने का खर्चा 20 पैसे, 1000 यूनिट कैरी करने का खर्चा 200 रुपए आएगा, मेरा टोटल कॉस्ट आ रहा है 650। इसके बाद नेक्स्ट एफ का अगर देखता हूं तो एनुअल रिक्वायरमेंट है मेरा 12000, एक बार मैं कितना परचेस कर रहा हूं, 1000 क्वांटिटी परचेस कर रहा हूं, ठीक है, तो 12000 डिवाइडेड बाय 1000, मैंने 12 ऑर्डर प्लेस करने हैं, एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा 75 है, तो 12 ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा कितना आएगा, इज इट 900, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इसके बाद 500 आपका ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री आ गया, एक इन्वेंट्री कैरी करने का खर्चा 20 पैसा है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 20 पैसा, ये सर 100 रुपीज लग रहा है क्या, और टोटल कितना आ गया मेरा, इज इट 1000 मेरा आंसर आ गया टोटल। ओके, लास्ट में अगर मैं चेक करता हूं, पूरे साल की रिक्वायरमेंट है मेरी 12000, पूरे साल की रिक्वायरमेंट है 12000, एक साथ जाके मैं सिर्फ 500 क्वांटिटी परचेस करके आ रहा हूं, मुझे 24 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, एक ऑर्डर का खर्चा 75 है, 24 बार मार्केट में जाता हूं तो मेरा 1800 रुपीस का ऑर्डर करने का खर्चा आएगा, एक साथ मैंने 500 क्वांटिटी परचेस किया, तो ऑन एन एवरेज ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, 500 डिवाइडेड बाय 2, 250 मेरा एवरेज इन्वेंटरी रहेगा, 20 पैसा मेरा कैरिंग कॉस्ट है, 50 रुपए मेरा कैरिंग कॉस्ट आएगा, ओके, तो मेरा जो टोटल कॉस्ट बन रहा है 1800 प्लस 50, फाइनल आंसर आ गया मेरा 1850। क्या सब लोगों को यह कैलकुलेशन समझ में आया? जी हाँ फ्रेंड्स, जल्दी से बताइएगा, क्या सब लोगों को यह कैलकुलेशन समझ में आया? कुछ डाउट है इसमें बता दीजिएगा, फिर आगे के डिस्कशन पे जा रहा हूं मैं, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आगे के डिस्कशन पे अदरवाइज प्रोसीड करो। अगर सब लोगों का, मैं तो देख रहा हूं एवरी वन ऑफ यू गिवन करेक्ट आंसर, एक्सेप्ट 1-2 स्टूडेंट का कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ रहेगा, अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। समझ में आया क्या? तोड़ कैलकुलेशन आपने किया, प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी आपने किया रहेगा। समझ में आया? ओके, सबको समझ में आया, वेरी गुड, एक ही बार बोलता हूं, सबको समझ में आना ही चाहिए। चलो, डाउट अगर नहीं है तो थोड़ा सा अब एनालिसिस करते हैं। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट और मेरे कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, अगर झेपा रहेगा आपको तो मेरे कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। मैंने अगर 12000 इन्वेंट्री मेंटेन किया, सॉरी 12000 का अगर ऑर्डर साइज है मेरा, 12000 का ऑर्डर साइज है मेरा, टोटल कॉस्ट आ रहा है 1275। अगर मैं कम ऑर्डर प्लेस करता हूं, सपोज 500 का लॉट साइज प्लेस करता हूं, तो भी मेरा
जो खर्चा है वो काफी ज्यादा है, 1850। मेरा आपसे क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट ने बराबर से आइडेंटिफाई किया कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा। ओके, कैरिंग कॉस्ट कम होगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, वो कौन सा ऐसा सिचुएशन है? अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, मेरा आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरा होना चाहिए। वो कौन सा लेवल है, वो कौन सा लेवल है जहां पे मुझे ऑप्टिमम कॉस्ट लगा है, जहां पे मुझे लोएस्ट कॉस्ट लगा है, वो कौन सा लेवल है? मैंने मार्केट में जाके एक साथ कितना क्वांटिटी परचेस करना चाहिए, मैंने मार्केट में जाके एक साथ कितना क्वांटिटी परचेस करना चाहिए? इफ यू आर अ प्रूडेंट बायर, अगर आप प्रूडेंट मैन्युफैक्चरर हो, पैसा बचाना चाहते हो, सर मारवाड़ी दिमाग है, पैसा बचाना चाहते हो, ठीक है, तो आप एक साथ जाके कितना क्वांटिटी परचेस करेंगे जल्दी से बताइएगा? आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका ये लोएस्ट कॉस्ट आया। जी हां, ये आ गया आपका लोएस्ट कॉस्ट। जी हां फ्रेंड्स, इज इट सो? ये आया आपका लोएस्ट कॉस्ट, परफेक्ट है। तो आप अगर मैनेजर हो तो परचेस मैनेजर को बोलेंगे आप, भाई जाके एक साथ 3000 क्वांटिटी परचेस करना, यानी आई गेस क्वार्टरली परचेस करना। डी ऑप्शन अपने लिए सबसे बेटर है, डी ऑप्शन अपने लिए सबसे बेटर है। तो एक साथ जाके क्वार्टरली परचेस करके, यानी 3000 की क्वांटिटी परचेस करके हमें लोएस्ट कॉस्ट लगता है। ओके, और कोई ऑब्जर्वेशन? रैंकर स्टूडेंट रहेगा जो ये ऑब्जर्वेशन देगा। ये कॉलम देख के और कुछ ऑब्जर्वेशन आपको आ रहा है क्या? देखिए बहुत खुंखार ऑब्जर्वेशन है। रैंकर स्टूडेंट रहेगा जो ये आंसर बराबर देगा। ये कॉलम आप चेक कीजिएगा, इसमें आपका कुछ ऑब्जर्वेशन है क्या? ये ऑब्जर्वेशन तो है कि लोएस्ट कॉस्ट लग रहा है। ये छोड़ के चैम स्टूडेंट ये बता दीजिएगा, और कोई ऑब्जर्वेशन है आपका? और आपका ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करता है यहां पे। ये तो एकदम बराबर है कि टोटल कॉस्ट लोएस्ट है, लेकिन और आप थोड़ा सा डिटेल में जाइएगा और मुझे आंसर दीजिएगा। और आपको क्या लग रहा है ये कॉलम देख के? लोएस्ट कॉस्ट लग रहा है। काफी सारे चैंप लोग हैं यहां पे, काफी सारे चैंप लोग हैं, और ये चैंप लोगों ने मुझे आंसर भी दे दिया है, और ये चैंप लोग मुझे बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सर मालिक, सर ये जो लेवल था 3000, यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट 300, कैरिंग कॉस्ट भी 300, टोटल आया 600, यानी ये लोएस्ट भी है और ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों यहां पे सेम आ रहा है सर, एब्सोल्युटली सेम आ रहा है, और आपका ऑब्जर्वेशन एकदम चैंप ऑब्जर्वेशन था। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन था वो ऑब्जर्वेशन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये अगला फॉर्मूला हम लोग सीखने वाले, लेकिन पहले मैंने पूरा बैकग्राउंड क्लियर किया। डायरेक्ट फॉर्मूला बोल के आपको रट्टा नहीं मरवा रहा हूं, पहले बैकग्राउंड क्लियर किया आपसे। मैं ये जानने की कोशिश की कि लोएस्ट कॉस्ट कहां पे आ रहा है, तो लोएस्ट कॉस्ट आ रहा है आपका ये 3000 क्वांटिटी पे। यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 300 है, कैरिंग कॉस्ट भी 300 है, ओवरऑल कॉस्ट सबसे लोएस्ट है। तो ये क्या है मालिक आपका? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या है आपका? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कुछ लोग लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम, बराबर है फ्रेंड्स, लेकिन इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट मुझे नहीं झेपता है, मैं सिंपल सिंपल सिखाता हूं। आपका आंसर बराबर, इक्विलिब्रियम। अब ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स? बचपन में हम लोग सीसो खेला करते थे, बहुत मजा आता था, ठीक है, सीसो खेलते थे हम लोग बचपन में। अरे नीचे चला गया ये तो। सीसो खेलते थे बचपन में, ओके, एक बार नीचे जाते थे पकड़ के रखते थे, सामने वाले को ऊपर ही रहने देते थे, बराबर है, याद आ रहा है ये सीसो का कंसेप्ट? आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज लाइक अ सीसो, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज लाइक अ सीसो, ठीक है। सपोज ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, सपोज ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और ये ऊपर वाला कैरिंग कॉस्ट है। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आता है, अब कहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम आया है? पहले कॉलम में, सबसे पहले कॉलम में ऑर्डरिंग कॉस्ट लोएस्ट है, देखो 75 रुपीज का ऑर्डरिंग कॉस्ट है पहले कॉलम में। और अगर कैरिंग कॉस्ट देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट कैरिंग कॉस्ट यहां पे आया है,
सबसे हाईएस्ट कैरिंग कॉस्ट यहां पे आया है, मालिक बराबर है क्या? अब फ्रेंड सीसॉ को उल्टा कर दिया, ठीक है, ये जो सीसॉ था इसको उल्टा कर दिया, ऐसन कुछ जुगाड़ कर दिया आपने, ऐसन कुछ जुगाड़ कर दिया, कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, तो कैरिंग कॉस्ट सबसे लोएस्ट कहां पे है? तो वो जो लास्ट वाला एफ वाला कॉलम है, एफ या जी वॉट एवर जो लास्ट वाला कॉलम था, वहां पे अगर आप देखेंगे तो कैरिंग कॉस्ट सबसे लोएस्ट लगा है ₹50, लेकिन वो सिचुएशन में ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे हाईएस्ट लगा है, यू कैन चेक दैट, ₹1800 का ऑर्डरिंग कॉस्ट है। बराबर है? तो यार आप कंफ्यूज हो गए, अरे ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर मैं कंट्रोल करने जाऊं तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, कैरिंग कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए जाऊं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, तो आदमी ने करना क्या? तो कुछ नहीं करना, आदमी ने करना ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। भाई बैलेंस कर, बैलेंस सीसॉ पे बैलेंस कर, बैलेंस, और वो बैलेंस कहां पे होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे बैलेंस होता है। तो एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खूंखार सेंटेंस बोल रहा हूं, एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जितना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है उतना ही आपका कैरिंग कॉस्ट है। मालिक ठोको ताली अगर समझ में आ गया तो, और आप ही आंसर बता रहे हो, मैं आपके आंसर पे आपका माइंड और डेवलप करवा के ले रहा हूं। एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जितना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है उतना ही आपका कैरिंग कॉस्ट आएगा, 300 जो आपका आंसर था। क्या ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट? एवरी वन ऑफ यू बिंदास आंसर दीजिएगा, क्या ये सब कुछ एब्सोल्युटली दिमाग में फिट हो गया जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूं? अरे झेपा क्या मालिक सब लोगों को? जल्दी से, यस समझ में आ रहा है? चिराग जी बोले समझ में आ रहा है, बाकी लोग क्या है? अरे जल्दी आंसर दीजिए, हमें खत्म करना है क्योंकि 2 बजे जीएसटी का लेक्चर है। कंसेप्ट दिल में गया पूरा, ऑब्वियसली फ्रेंड्स, सिर्फ मैं चिल्लाता नहीं हूं, ठीक है, मैं सिर्फ चिल्लाता नहीं हूं फ्रेंड्स, जो लॉजिकल है वही चिल्लाता हूं, और वो आपके सर के अंदर फिट होने वाला है, तोड़ना मालिक एकदम। बहुत मजा आया मुझे तो आज, मुझे बहुत मजा आया फ्रेंड्स, है ना? तो फ्रेंड्स अभी ईओक्यू का एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, एक जुगाड़ करते हैं ईओक्यू का फॉर्मूला, मैं आज नहीं बताने वाला, वो नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन बाद में करूंगा, एक्सप्लेन वो बाद में करूंगा, लेकिन बाकी लोगों जैसा मैं आपको ये करवा सकता था, चल ईओक्यू का फॉर्मूला रट्टा मार जमुरे, रट्टा मारेगा, हाँ मारेगा, तो लिख जमुरे ईओक्यू का फॉर्मूला, लिख तू, 2 × एनुअल रिक्वायरमेंट × ऑर्डरिंग कॉस्ट / कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जमुरे रट्टा मारेगा, रट्टा मारा जमुरे ने, फिर जमुरा लिख रहा है 2 × एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000 / ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर का खर्चा 75 है, / कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 20.20, फिर जमुरे को क्वेश्चन पूछते आंसर कितना आया, आंसर कितना आया, फिर वो जमुरा जोर जोर से आंसर देता है, सर हमने फॉर्मूला रट्टा मारा उसका आंसर आ रहा है ईओक्यू, देखो ना आप आंसर लाओ ना, इज इट 3000 आपका आंसर आ रहा है, क्या आपका आंसर 3000 आ रहा है, क्या आपका आंसर 3000 आ रहा है? एक बार चेक कीजिएगा ना, अंडर रूट ऑफ 2 एनुअल रिक्वायरमेंट / ऑर्डरिंग कॉस्ट / कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, क्या आपका आंसर 3000 आ रहा है? अरे आया, अरे लेकिन तुझे लॉजिक ही नहीं समझा, जमुरे ने आपको सिर्फ डायरेक्टली भाई रट्टा मार। अब अगले लेक्चर में ईओक्यू का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है वो मैं आपको बताएगा, ठीक है? अब ये फॉर्मूला क्यों आया है ये भी हम लोग समझ लेते फ्रेंड्स, चलो अभी फॉर्चुनेटली क्या हुआ है, आपको ईओक्यू पता चल गया है, 3000 ईओक्यू है, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आप सोचिए ना कितने बड़े कैलकुलेशन दिखाने पड़े, यानी ऑर्डर साइज 12,000, ऑर्डर साइज 6,000, ऑर्डर साइज 4,000, ऑर्डर साइज 3,000, ऑर्डर साइज 2,000, ऑर्डर साइज 1,000, ऑर्डर साइज 750,
या फिर सपोज ऑर्डर साइज लिया मैंने 500, कुछ लोग बोलेंगे सर और लो और लो 400, सर और लो और लो 250, सर और लो और लो 200, सर और लो और लो 100, सर और लो 50, सर और लो 25, मजा आ रहा है सर और लो 20, सर और 10, सर और 5, सर और 2, सर और 1। तो मतलब ये हुआ, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है ईओक्यू फाइंड करो, तो आप इतने कॉलम कंसीडर करेंगे क्या? अननेसेसरीली इतने कॉलम कंसीडर करेंगे क्या? आपको सिर्फ पूछा भाई तू ईओक्यू फाइंड करके बता बस, बहुत हो गया, 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। तो यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर ऑल सच, इतना आप कॉलम प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली ईओक्यू का आंसर फाइंड करेंगे और लिखेंगे। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, लिखना नहीं है फॉर्मूला अभी, मैं कल बताने वाला हूं या फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं। ओके और जरूरी नहीं है, अपन ने जो क्वेश्चन लिया है फॉर्चुनेटली उसमें वो 3000 में आपको ईओक्यू आ गया, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि इतने सारे लेवल लेने के बाद भी ईओक्यू नहीं आता है, कभी कभी ईओक्यू फ्रैक्शन में आ जाता है। तो फ्रेंड इसलिए आपको एक डायरेक्टली फॉर्मूला बताया कि ईओक्यू कैसे फाइंड करने का, उसका फॉर्मूला है, जिसका डेरिवेशन, जिसका लॉजिक, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ईओक्यू का फॉर्मूला अभी लिखिएगा अभी मत, ओके वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, आज का लेक्चर इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने कवर किए, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, उसके जो इंप्लीकेशन है, उसके जो रिलेशंस है, उसका मैं बस समरी बनवा के जा रहा हूं आज, फिर अगले लेक्चर में आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, मुझे आपका आंसर चाहिए। ओके सर, आपसे मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और ये टेबल में इट्स अ समरी, ये टेबल इज अ समरी ऑफ टूडेज लेक्चर। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जमुरे मैंने पहला कॉलम कंसीडर किया ऑर्डर साइज, मैंने पहला कॉलम कंसीडर किया ऑर्डर साइज, मैं दूसरा कॉलम कंसीडर कर रहा हूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, आई एम गोइंग टू कंसीडर नाउ थर्ड कॉलम ऑर्डरिंग कॉस्ट, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कंसीडर द फोर्थ कॉलम एवरेज इन्वेंट्री, लास्ट कॉलम कंसीडर कर रहा हूं कैरिंग कॉस्ट, लास्ट कॉलम कंसीडर कर रहा हूं कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब आप मुझे आंसर देंगे मेरे पहले क्वेश्चन का, और मुझे एंटायरली आंसर चाहिए, क्या है पहले समझ लीजिएगा। अगर ऑर्डर साइज ज्यादा लेता हो, अगर ऑर्डर साइज बढ़ता है, तो हर एक कॉलम पे इसका इंपैक्ट क्या आएगा ये आप मुझे बताएंगे, और इंपैक्ट में आपको लिखना है इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, जो भी कुछ आपका आंसर है वो आपको लिखना है। जैसे कि मैं पहले बता देता हूं, ऑर्डर साइज ज्यादा से ज्यादा रखा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम आएगा। तो अब आपको सोचना है आज के लेक्चर में जो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, उसका एवरेज इन्वेंट्री पे क्या इंपैक्ट आएगा, और उसका कैरिंग कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये आप मुझे बताएंगे। यू आर गोइंग टू गिव मी इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, बस इतना ही आंसर मुझे देंगे पहले सिचुएशन का, पहले ऑब्जर्वेशन का, फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन बाद में देखते हैं। चलिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, अपना टाइम खत्म हो गया, बस 1 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं, 1 मिनट में वाइंड अप करो, जल्दी से बताइएगा, बिकॉज विशाल सर का जो लेक्चर है वो 2 बजे है, तोड़ मालिक, बहुत मजा आएगा आपको जीएसटी में, हम सबके वो गुरु है, ठीक है। आंसर आना स्टार्ट हो गया है, ऑर्डर साइज अगर ज्यादा है, एक साथ अगर ज्यादा क्वांटिटी परचेस करता हूं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम लगेगा, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होएगा, लेकिन एक साथ अगर ज्यादा क्वांटिटी परचेस करता हूं तो मेरा एवरेज इन्वेंटरी ज्यादा आएगा, क्योंकि एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला है ऑर्ड साइज डिवाइडेड बाय क्यू। ओके समझ गया। इसके बाद कैरिंग कॉस्ट, अगर एवरेज इन्वेंटरी बढ़ गया तो मेरा जो कैरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। एंड फ्रेंड्स आज का लास्ट लाइन ऑफ डिस्कशन, अगर मेरा ऑर्डर साइज घट जाता है, अगर मैं कम क्वांटिटी में परचेस करता हूं एक साथ, तो मुझे बार बार मार्केट में जाके ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएगा। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ रहा है, बार बार मार्केट में जा रहा हूं, ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा।
लेकिन अगर मैं कम क्वांटिटी में परचेस करता हूं तो मेरा एवरेज इन्वेंट्री कम होएगा, और अगर एवरेज इन्वेंट्री कम होता है तो मेरा जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी कम होएगा। तो आप में से बताया था काफी सारे स्टूडेंट ने कि सर जी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होता है कैरिंग कॉस्ट बढ़ता है, कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर बढ़ता है तो कैरिंग कॉस्ट आपका कम होगा, और वो ईओ क्यू है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मैच होता है। परफेक्ट है, ठीक है। ये कंसेप्ट का फोटो ले लीजिएगा, ये आपको लिखना है, या फिर मैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में वापिस बता दूंगा। राइट फ्रेंड्स, आज हमने जबरदस्त पॉइंट कवर किए, ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसका फॉर्मूला, कैरिंग कॉस्ट और उसका फॉर्मूला, ठीक है, कैसे वो टेबल प्रिपेयर करना है वो भी हम लोगों ने जाना, अच्छे से प्रेजेंट किया हमने टेबल, फिर कहां पे कॉस्ट कम आता है तो वो ईओक्यू, ईओक्यू का सिर्फ कंसेप्ट बताया कि ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आता है, फॉर्मूला कल डिस्कस करने वाले, कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट फ्रेंड्स, तो आज मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया लेक्चर में, ओके, बहुत ही अच्छा लेक्चर लगा आज, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ये हमने डिस्कस किया, कैसे वर्कआउट होता है वो भी हमने देखा, मैंने कुछ लॉजिक्स भी आपको बताए कि भाई कैरिंग कॉस्ट में वो एवरेज इन्वेंटरी वगैरह कैसे आप मैच करवाते हो वो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ईओक्यू, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन, ठीक है। संडे लेक्चर नहीं है, आगे संडे लेक्चर नहीं है, संडे लेक्चर हमने नहीं लिया है। नेक्स्ट लेक्चर आइदर ऑन मंडे रहेगा या ट्यूजडे रहेगा, ठीक है। मंडे थोड़ा सा एक इश्यू है, लेक्चर लेना अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लूंगा, अदरवाइज आपका लेक्चर ट्यूजडे को रहेगा। वी स्मार्ट के जो चैनल है उस पर आपने तो सब्सक्राइब किया ही रहेगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आइदर मंडे या फिर ट्यूजडे आपको उसका मैसेज आ जाएगा, ठीक है मालिक। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, इट वॉज अमेजिंग लेक्चर टूडे, बहुत मजा आया आपके आंसर देख के कि आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीख रहे हो, ठीक है, तो पूरा ये कंसेप्चुअल है, रट्टा नहीं है। राइट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, वी आर गेटिंग लेट क्योंकि तोड़ सुपर लेक्चर आपका और आगे आने वाला है, दैट इज विशाल भट्टर सर का, हम सब के गुरु, ओके, तो उनका लेक्चर आप एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो भी कुछ डाउट्स है, अगर कुछ डाउट्स है वो हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।